दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9 सिविक्स का लास्ट चैप्टर जो है डेमोक्रेटिक राइट्स, उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर है जो इन जनरल आप क्लास 9th में हो या नहीं हो, हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। बेसिकली अधिकारों की बात हो रही है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या राइट्स दिए गए, उन सभी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर को इन डिटेल पढ़ेंगे, कुछ स्टोरीज हैं उन स्टोरीज की रेफरेंस से राइट्स की बात करेंगे। राइट्स क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं और किस तरह से राइट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, यह पूरे चैप्टर का मैदान रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द थीम। थीम इज वेरी सिंपल, अभी आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ में आए कि चैप्टर क्या है। डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि राइट्स की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा दूं, आपको थीम समझाऊं। तो ये जो आपकी बुक थी, कौन सी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 क्लास 10th में पढ़ोगे, बस शुरू होने वाली है लास्ट चैप्टर के बाद में भाई, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जब बात की जाती है तो इस बुक का एसेंस क्या था, इस बुक का एसेंस यानी कि इस बुक में आपने क्या पढ़ा। ब्रॉडली मैं आपसे पूछूं तो इस बुक में आपने क्या पढ़ा, आप कहेंगे कि इस बुक में हमने देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, यही सारी चीजें देखी ना हमने। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाला चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह कैसे काम करते हैं, ये सारा पार्ट आपने इस बुक में अभी तक पढ़ लिया। अब डेमोक्रेसी में जो सारा सब कुछ तामझाम लगाया जा रहा है, ये किसके लिए लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है आम जनता जनार्दन के लिए। फाइन, तो वहां पे सिटीजंस जो है वो सेंटर स्टेज लेके बैठे इन पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस में, इन पूरे के पूरे सेटअप में जो हमने अभी तक पढ़े। जो 5 चैप्टर आप पीछे पढ़ के आए, पूरे 5 के 5 चैप्टर आखिरकार रिवॉल्व तो किसके अराउंड कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के अराउंड, सिटीजंस के अराउंड। तो जो सिटीजंस है और वो सिटीजंस के जो राइट्स है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टिल नाउ हमने ये पूरी कहानी समझी है, एंड व्हाट्स नाउ, तो ये जो पूरा सेटअप समझा है, उस सेटअप में सिटीजंस का क्या रोल होता है, वो चीज अब हम पढ़ेंगे, समझ गए। तो ट्रू डेमोक्रेसी इज द सेटअप वेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज द पॉइंट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या एक ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल्स के राइट्स की रिस्पेक्ट कर रही हो, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है इंडिविजुअल्स को फैसिलिटेट कर रहा हो, इंडिविजुअल्स की लाइफ को, उनके राइट्स को क्या कर रहा हो, ऑनर कर रहा हो, तो ये डेमोक्रेसी का सेंस होता है। तो अब वही चीज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होगी, कैसे होगी, पूरा तामझाम समझ लिया। उसमें सिटीजंस के पास कितने राइट होते हैं, हमारे देश में क्या स्थिति है, राइट्स क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ब्रॉड टॉपिक्स क्या होंगे, देखो ब्रॉड टॉपिक्स सारे ये होंगे। पहला होगा केस स्टडीज ऑफ ग्वांटानामो बे, सऊदी अरेबिया एंड कोसोवो। अब ये 3 जगह के अलग अलग केस स्टडीज मैं आपको बताऊंगा, सिंपल स्टोरीज है, उन स्टोरी से हम राइट्स का रिलेशन समझेंगे कि राइट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेशन हो रहा है वो। फाइन, उसके बाद में जब आप ये स्टोरीज पढ़ लोगे तो फिर आप स्टोरीज पढ़ ली मतलब एग्जांपल देख लिया, उन एग्जांपल से बोलते ना कहानी का सार क्या है बताओ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम यहाँ रिलेट करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें राइट्स क्यों चाहिए रहते हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में ही राइट्स के नाम क्यों ले रहे हो, कहीं डिक्टेटरशिप में राइट्स मांग के देखो फिर देते हैं आपको उधर से गोली, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि डेमोक्रेसी और राइट्स का क्या रिलेशन है, हमें डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों चाहिए रहते हैं, तो ये पूरा फिलोसॉफिकल एंड होगा। जैसे आपने सारे चैप्टर्स में देखा होगा, चाहे वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हो, हर चैप्टर में हमने जिस भी थीम के बारे में पढ़ा है उस थीम का एसेंस फिलोसॉफिकल एंड समझाया कि ऐसा तो ऐसा क्यों, उस टाइप से। फाइन, तो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यहां से हम क्या करेंगे, जब हमने राइट्स को समझ लिया, राइट्स क्यों चाहिए रहते हैं, वो सारा सब कुछ समझ लिया, फिलॉसफी वाला पार्ट, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये सारे अधिकार जो एक एक करके हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। अब इन अधिकारों के साथ साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला भी हमारा राइट्स की कैटेगरी होती है, जहां पे अगर आपके ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनके रिस्टोरेशन के लिए भी एक राइट है। मतलब आपने अधिकार दे दिए लेकिन अधिकारों का उल्लंघन हो गया अगर, तो फिर क्या करोगे, बैठ के ताली बजाओगे, नहीं। तो अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, तो उन राइट्स को सिक्योर कैसे किया जा सकता है, वो एक पार्ट होगा यहां पे। फाइन, तो ये सारा सब कुछ जो है, ये सारा सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और लास्ट का जो टॉपिक होगा वो होगा
एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, राइट्स का स्कोप जो है तो राइट्स सिर्फ वहां तक सीमित नहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए क्या है आपके 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है, बस इतना काफी है, वो हमेशा एक्सपैंड होते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बात करोगे, इन जनरल राइट्स की अगर आप बात करोगे, अधिकारों की बात, तो अधिकार बढ़ते जाते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी भी एक चीज आ गई, अब पहले प्राइवेसी की कोई बात नहीं करता था, तो वो सारा का सारा केस है। आई होप आपको ब्रॉड थीम, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है अभी तक, क्रिस्टल क्लियर है अभी तक। तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां क्या बताया गया है, यहां ये बताया गया है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल है, तो दुनिया भर के जो भी आपकी जरूरतें रहेंगी वो आपकी यहां पे पूरी हो जाएंगी। तो नोट्स वगैरह, अपडेट्स, कब कौन सा सेशन आ रहा है, सारा सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता रहूंगा। साथ ही साथ कम्युनिटी सेक्शन होता है अनअकैडमी ऐप पर, आप इस कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आसानी से टीचर्स के द्वारा जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, वो सारा सब कुछ यहां से फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइन, लेट अस स्टार्ट विद दिस, प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे, पहला पार्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तीन केस स्टडी में पढ़ेंगे हम लोग, तीन केस स्टडी में। पहली केस स्टडी क्या आपके पास, ग्वांटानामो बे की केस स्टडी है। ग्वांटानामो बे कहाँ है, ठीक है, तो ग्वांटानामो बे जैसे अगर आप देखोगे तो इधर पे क्या है आपका, इधर पे जैसे देखोगे ये क्या हो गया, ये आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको मतलब नॉर्थ अमेरिका वगैरह हो गया, और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको लिखा ना, मेक्सिको वगैरह नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो गया, और उसी के वहां पे जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह सब है, तो उन्हीं आइलैंड कंट्रीज में यहाँ पे क्या है, ग्वांटानामो एक यूएस का नेवल बेस है। नेवल बेस मतलब क्या है कि यूएसए ने यहाँ से, यूएसए आया ऊपर से, और यूएसए ने क्या करके रखा है अपना यहाँ पे आर्मी वगैरह को, नेवी वगैरह को सेटल करके रखा है। यूएसए का एक नेवल बेस है ग्वांटानामो बे। समझ में आ गया ना क्या है ग्वांटानामो बे, तो ये ग्वांटानामो बे है। तो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, ठीक है, व्हाट हैपेंड हियर, वो क्लास नाइन के बच्चे कुछ इस तरह से भी परेशान हो रहे होंगे कि कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, तो कभी रशिया, अब ग्वांटानामो बे क्यों, हमारे साथ में इतना अत्याचार क्यों, सब हमें क्यों याद रखना है, वो तो याद रखते नहीं होंगे हमें, ठीक है। तो इस तरह से यू पीपल माइट थिंक कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो मैं हमेशा से बताया, आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि हिस्ट्री जब आप किसी देश की पढ़ते हो तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, आप उस देश को पढ़ रहे हो, आप एक पैटर्न समझ रहे हो। हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, द फैक्ट्स, फिगर्स एंड द डेट चेंजेस, बट द थिंग मूव्स इन अ पैटर्न। अब बोलोगे सर हम तो सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो सिविक्स में भी जब आप एक एग्जाम्पल ले रहे हो तो उस एग्जाम्पल से आप एक ब्रॉड चीज को समझ रहे हो, तो वो उस चीज से छुआछूत ऐसी मत रखना आप, कैसी कि ये उनके देश का हमारे क्यों पढ़ा रहे हैं, इस टाइप से एग्जांपल्स रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के भी प्रोमिनेंट केस स्टडीज होते हैं, इंडिया का भी एग्जांपल होता है तो बताया जाता है लोगों को, उनके टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, नाराज नहीं होना वहां पे, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, क्योंकि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो बताता है कि राइट्स की जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो राइट्स कैसे लोगों को राइट से डिप्राइव रखा गया, ठीक है। व्हाट हैपेंड हियर, अब ये एक सवाल जेन्युइन है कि अच्छा चलो ठीक है पढ़ा दो, क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ग्वांटानामो बे मैंने आपको बता दिया, मैप पे नहीं आएगा, घबराना मत, लेकिन समझाने के लिए कि किधर है। अब यहाँ क्या हुआ था देखो, तो ग्वांटानामो बे की अगर स्टोरी बताऊं मैं आपको, तो अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे वर केप्ट इन द इन अ प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। 600 लोग पूरे विश्व से उठा लिए लगभग और उनको क्या कर दिया, जेल में ले जाकर रख दिया ग्वांटानामो बे की। अभी जो 600 लोगों को उठाया गया, ये कौन थे 600 लोग पता है, तो ये 600 लोग वो थे कहना भी सही नहीं रहेगा, ये 600 लोग वो सस्पेक्ट थे। सस्पेक्ट मतलब कि यूएस गवर्नमेंट को उनके ऊपर शक था कि शायद ये हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं। तो जो 26/11 का हमला हुआ था यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, यूएसए का जो कह सकते हैं पेंटागन हाउस, जो उनका पेंटागन हाउस मतलब यूएसए का मिलिट्री बेस है ये पेंटागन हाउस, यहां पे उन्होंने प्लान जो है मतलब जैसे आप देखेंगे टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 का, तो 26 नवंबर को, तो यहाँ पे 26/11 का ये जो अटैक हुआ था, तो इसमें जो टेररिस्ट थे उन्होंने प्लेन दे मारा था ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उड़ाते हुए हाईजैक करके, और एक यहाँ पे पेंटागन हाउस की बिल्डिंग पे, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक ऑन द लैंड ऑफ यूएसए टिल डेट, ठीक है। यूएसए की जमीन पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ, और ये हमला हुआ था। प्लानिंग तो और भी बड़ी थी कि व्हाइट हाउस वगैरह में भी प्लान मतलब प्लेन जो है क्रैश करवा देंगे, लेकिन वो टेररिस्ट वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, हमला हुआ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट वाज दैट दे वर द एनिमीज ऑफ यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2011। तो ये जो 11 सितंबर 2011 में हमला हुआ, तो इस हमले में ये 600 लोग जो थे ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, ये आर्ग्यूमेंट दिया यूएस गवर्नमेंट ने, और इन 600 लोगों को उठा लिया दुनिया से, अलग अलग जगह से 600 लोगों को ऐसे उठा लिया।
arrest was without any information or notice. Their families also did not knew about that. ये जो अरेस्ट हुई तो एकदम ऐसे चटमंगनी पट ब्याह टाइप से हुआ क्या कि थप्पा बोल दिया डायरेक्ट जाके 600 लोगों को उठा लिया, ठीक है ना, उनके सामने कोई वारंट प्रेजेंट किया गया ना उनकी फैमिलीज को पता चलने दिया, अगले दिन ढूंढ रहे घर परिवार वाले कि पापा कहां गए, ठीक है, तो उस तरह से अरेस्ट हुआ. नो वन वॉज अलाउड टू मीट द प्रिजनर्स, देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट. उठा के ले गए सीधे जेल में डाल दिया, कोई प्रिजनर्स से मिल नहीं पा रहा था, कोई ट्रायल नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चला, बस उनके ऊपर ये इंजाम लगा दिया गया कि हाँ यही थे 600 लोग, ये तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे 26/11 के हमले से, ठीक है. दिस वॉज द क्लियर केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब देखो कोई भी इंसान, जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हो कि इतना तो आपको ध्यान है क्या कि जेल में ले जाने से पहले क्या होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है हमारे देश में तो सर, ठीक है. तो वो क्या है, वो बेसिक सेट ऑफ राइट्स है, वो सब यहाँ पे डिप्राइव थे, कुछ भी नहीं दिया. फाइन, दिस वॉज अ क्लियर केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल क्या कहेंगे हम, एनजीओ है जो किसके लिए काम करती है, जो लोगों के राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए काम करती है. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मतलब क्या है, खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हुए पता लगाया, वर्कड ओवर दिस एंड हाईलाइटेड द इशू. उन्होंने बताया कि ग्वांटानामो बे में जिन प्रिजनर्स को रखा गया है, जिन सस्पेक्ट्स को रखा गया है, दे आर बीइंग कंटिन्यूअसली टॉर्चर्ड, ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू इनह्यूमन कंडीशन मतलब क्या है कि उन्हें बंदी बना के रखा जा रहा है, खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, मार रहे, पीट रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, बजाय उसके कि उनके ऊपर अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और अपराध सिद्ध भी हो जाता तो जानवरों की तरह नहीं रखते इंसान को, ह्यूमन राइट्स है. तो समझना, ये सारी चीजों की बात करी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने. यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द प्रिजन शुड बी क्लोज डाउन. यूनाइटेड नेशंस में जब मुद्दा पहुंचा, अलग अलग देशों से भी आवाज उठाई गई, जिन जिन देशों से लोगों को उठाए गए थे, तो जब यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा पहुंचा तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल 2001 में कौन थे, ये आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, गूगल होमवर्क, चलो. तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस एक्ट को यूएस के, और यूएस से कहा कि बंद कर दो प्रिजन, लेकिन यूएस अलग ही अपने स्वैग में था, ठीक है. यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने कुछ भी सुना नहीं, नकार दिया, और यूएस गवर्नमेंट ने इस तरह से किया जो यूएस गवर्नमेंट को ठीक लगा, खैर आगे जाके चीजें सुधरी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को यहां जो ठीक लगा उसने वैसा किया, ठीक है. तो अब ये पूरी कहानी आपने पढ़ी किसकी, ग्वांटानामो बे की. ग्वांटानामो बे में क्या हुआ, तो क्लियर कट यहां पे जो प्रिजनर्स थे उनके राइट्स का वायोलेशन हुआ, ये चीज हमने देख ली है. दूसरी कहानी कौन सी हमारे पास, दूसरी कहानी जो हमारे पास वो है सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में जो नागरिकों के अधिकार है उसके ऊपर अब कहानी आती है. सऊदी अरेबिया कहां है, चलो देख लो ये भी मैप पे. तो जैसे अगर आप देखेंगे एशिया में इंडिया से हम थोड़ा और इधर खिसकते चले जाएंगे तो हम यहां पे सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, अफ्रीका से लगा हुआ. सऊदी अरेबिया अगेन क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेशन है. कंजर्वेटिव नेशन के चलते यहाँ पे स्टोरी क्या है कि द केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पोजीशन ऑफ सिटीजन विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट. कंजर्वेटिव कंट्री है, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनता जनार्दन के पास क्या अधिकार है और सरकार के पास क्या अधिकार है, सरकार जनता जनार्दन और वहां के लोगों मतलब जो रूलर्स हैं उनके बीच में कैसा कनेक्शन है वो समझो. तो यहाँ पे आपको कोई डेमोक्रेसी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ हेरिडिटरी किंग है. मतलब आज मेरा राजा, कल मेरा बेटा राजा, परसों मेरा पोता राजा, उस टाइप से. मतलब एक क्रोनोलॉजी ऐसी चलेगी कि हेरिडिटरी रूल चलेगा. पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर. ठीक है, रूलर बदलने में जनता जनार्दन का कोई हाथ नहीं होता है. क्यों, क्योंकि वो जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा बनेगा. इस टाइप से सिस्टम चलेगा. ठीक है, तो पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर. किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. किंग जो है तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इन्हें सेलेक्ट करता है, और इन्हें सेलेक्ट करने के साथ साथ में क्या होता है कि अब दिखती बात है, जब राजा लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को सेलेक्ट कर रहा है तो राजा यहां पे क्या करेगा, सारी चीजें अपने हाथ में कंट्रोल रखेगा ना, सारा पावर अपने हाथ में कंट्रोल रखेगा. तो वो वाला केस है यहाँ पे. सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया इज ऑल्सो नॉट फ्री. सिटीजन्स को आजादी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी बना लो, मीडिया भी फ्री नहीं है. मतलब कुल मिला के सब कुछ किसके हाथ में, सब कुछ कंसंट्रेटेड है मोनार्क के हाथ में. फाइन, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. और धर्म को उन्होंने रख दिया ताक पे. मतलब मैंने बताया कंजर्वेटिव नेशन है, कंजर्वेटिव नेशन है तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो पावर है रिलीजियस पावर, या फिर कह सकते हो जो रिलीजियस डोमिनेंस है, वो वही होगा जो राजा का होगा. तो जैसे इस्लाम का डोमिनेशन है यहाँ पे, दूसरे रिलीजन जो है तो दूसरे रिलीजन को उतनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है. विमेन की जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब है. कैसे, सब्जेक्ट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस. विमेन अकेले बाहर नहीं जा सकती है, विमेन बिना पति की परमिशन के कुछ नहीं कर सकती है. पहले ड्राइविंग तक नहीं करने दिया जाता था,
खैर आप चीजें बदल गई, अब ड्राइविंग करने दिया जाता है जैसे धीरे धीरे लॉज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले बहुत ज्यादा समस्याएं थी, देवर सब्जेक्ट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस, द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन, मतलब इनइक्वालिटी यही देखने को मिल जाएगी कि दो महिलाओं की टेस्टिमनी या फिर मतलब दो महिला इज इक्वल टू वन पुरुष, ठीक है। तो मेल डोमिनेंस क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, वुमेन आर सब्जेक्ट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस। ये कहानी रही कहां की, सऊदी अरेबिया की। अब ये सऊदी अरेबिया की जो कहानी है, जैसे अगर आप देखेंगे तो बिना पुरखे के नहीं जा सकती है, तो मल्टीपल चीजें जो आपको देखने को मिल रही है। फाइन, जो मोनार्क है तो मोनार्क हेरिडेटरी होता है, वो सारा पार्ट था सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में भी आपने देख लिया क्या है कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं है लोगों के पास में, इक्वालिटी नहीं है। फाइन, ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया का केस था। दो एग्जाम्पल देख लिए, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। तीसरा एग्जाम्पल किसका है, तीसरा एग्जाम्पल है कोसोवो का। कोसोवो कहां है, ये भी जगह है, मतलब अगेन वही सर एक और पढ़ाई दो पढ़ा रहे हो तो ग्वांटानामो बे का आपने केस देखा, सऊदी अरेबिया का केस देखा, अब हम बात करते हैं कोसोवो की। तो कोसोवो देखो, जरा इधर घूमने दो मुझे। कोसोवो में क्या है, तो आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में पहले एक कंट्री हुआ करता था जिसका नाम था युगोस्लाविया, ठीक है। आज वो कंट्री रेस्ट इन पीस हो गया है, पहले इस तरह से था। आज उस युगोस्लाविया के ब्रेकअप के बाद में 6 और देश निकल के आए उसमें से, ठीक है। युगोस्लाविया में से 6 और देश निकल के आए, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में युगोस्लाविया बनाया गया था, वो युगोस्लाविया में से आज 6 अलग देश निकल के आ गए, जैसे स्लोवेनिया हो गया, क्रोशिया आप जानते होंगे वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पिछला वाला, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, सर्बिया, मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर का देश, तो ये सारे देश उसमें से अब निकल के आए हैं, मॉन्टेनेग्रो वगैरह। तो यही अगर आप जिस देखोगे तो सर्बिया में नीचे की तरफ एक प्रोविंस है, यहाँ ये है कोसोवो, सर्बिया में नीचे की तरफ उस समय पे युगोस्लाविया था पूरा का पूरा, तो यहाँ पे कोसोवो करके एक प्रोविंस है, एक स्टेट है कोसोवो, ठीक है। तो कोसोवो वॉज प्रोविंस ऑफ युगोस्लाविया, द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ प्रोविंस वॉज मेजोरिटी अल्बेनियंस बट इन कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। अब हो क्या रहा है कि जो पूरा कंट्री था, पूरे कंट्री में सर्ब्स जो है, ठीक है, सर्ब एथनिक ग्रुप, अलग अलग एथनिक ग्रुप होते हैं। एथनिक ग्रुप मतलब क्या है कि एथनिक ग्रुप यानी कि पीपल, व्हेन दे एथनिक ग्रुप इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ठीक है। एक लोगों का एक कल्चर है तो अपने आप को एक एथनिक ग्रुप मानते हैं, ठीक है। जैसे एथनिसिटी को नस्ल भी से भी जोड़ा जा सकता है कि हाँ ये एक नस्ल के लोग हैं, दूसरी नस्ल के लोग। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि कंट्री में मेजोरिटी में सर्ब्स थे, सर्ब एथनिक ग्रुप कंट्री में मेजोरिटी में था, और एक प्रोविंस जो था कोसोवो वहां पे मेजोरिटी में अल्बेनियंस थे, लेकिन पूरे देश में दबदबा सर्ब्स का था, ठीक है। अल्बेनियंस दूसरा एथनिक ग्रुप हो गया। अब होता क्या है यहां पे देखो, तो ये हो गया कोसोवो वाज अ प्रोविंस ऑफ युगोस्लाविया, द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ प्रोविंस वाज मेजोरिटी अल्बेनियंस बट सर्ब्स वर इन मेजोरिटी इन द कंट्री। अब पूरी कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो एक नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट लीडर मिलोशेविक, ठीक है, मिलोशेविक जो है, तो मिलोशेविक जीत जाता है चुनाव। अब मिलोशेविक के आगे उन्होंने प्रीफिक्स लगा दिया नैरो माइंडेड सर्ब लीडर। सर्ब लीडर मतलब क्या है, जो कंट्री में मेजोरिटी में लोग थे उनका लीडर था और वो सर्ब्स के बारे में ही सोचता था, तो दूसरे एथनिक ग्रुप के लोग उसे पसंद आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि कोसोवो में जो अल्बेनियंस थे उनके अंदर डर का माहौल बना रहता था कि अब एक सनकी सा रूलर इलेक्ट होकर आ गया ये, ठीक है, जो सर्ब्स के बारे में सोचता है और अल्बेनियंस के अगेंस्ट में सोचता है, पता नहीं कब क्या कर दे हमारे साथ, ठीक है। इस तरह की स्थिति थी, इस तरह का माहौल था। क्या होता, ही वॉज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द अल्बेनियंस ऑफ कोसोवो, दे हैड अ व्यू पॉइंट दैट अल्बेनियंस शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ सर्ब्स, ये चीज थी। अब ये जितने भी सर्ब लीडर्स थे मिलोशेविक जैसे और इनके जो फॉलोअर्स थे, इनका क्या व्यू पॉइंट था, इनका व्यू पॉइंट ये था कि जो अल्बेनियंस हैं कोसोवो की प्रोविंस में, उन अल्बेनियंस को या तो देश छोड़कर चले जाना चाहिए, कहीं और चले जाओ, अल्बेनिया में चले जाओ, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, या फिर सर्ब्स की मेजोरिटी को एक्सेप्ट कर लो। समझ में आया, हाउ, अब सर्ब्स की मेजोरिटी को कैसे एक्सेप्ट कर ले, कि चुपचाप डर के बैठे रहो, कोई राइट्स मत लो, ठीक है, जो होगा सर्ब्स के हिसाब से होगा। ये इस तरह की स्थिति थी, ठीक वैसी जैसी आपने हिस्ट्री में पढ़ी है क्या, नाजी और ज्यूस के चलते, ठीक है। तो नाजी मतलब हिटलर पार्ट टू टाइप से कह सकते हो उसको। अब क्या होगा, मतलब पार्ट वन को, क्योंकि हिटलर तो इसके बाद में अत्याचार बताएगा, हिटलर के पहले ही इसने गड़बड़ करना चालू कर दी थी। अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नहीं, ये हिटलर के बाद वाली है, ठीक है, शायद हिटलर के बाद वाली है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ जैसे अगर आप देखोगे तो स्टोरी ऑफ अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो, तो बतिस्ता, ठीक है, बतिस्ता होएक्स जो है, तो उनकी एक कहानी बताई गई कि वो अपने हस्बैंड के साथ, दोनों ही बुजुर्ग दंपति थी 70 साल से ऊपर वाले, दोनों बैठे थे, मतलब उन्हें पता था कि अब देश में सब बदल गया है, सब लीडर्स जो है पावर में आ गए, सब कुछ, लेकिन वो अपने घर में बैठे थे।
अब उसी बीच में क्या होता है, उसी बीच में जैसे आप देखेंगे तो उसी बीच में सब आर्मी जो है तो सब सोल्जर्स कुछ रहते हैं, ये सब सोल्जर्स क्या करते हैं, वो मैडम के घर में हमला कर देते हैं, मैडम के हस्बैंड को 3 गोली मारते हैं सीने पे और मैडम के हाथ में से अंगूठी निकाल लेते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल के उनका घर जला देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी है और ऐसे कितने ही अल्बेनियंस ने उस समय पे क्या किया, सफर किया अंडर दी सब नेशनलिज्म, ये जो सब का फैनेटिक नेशनलिज्म फैल रहा था कि नहीं हमें तो अल्बेनियंस को बाहर निकालना है देश से, तो उसके चलते कोसोवो प्रोविंस में कितने ही सारे आप क्या देखोगे कितने ही सारे अल्बेनियंस ने सफर किया होगा। तो देयर वॉज अ मैसेकर ऑफ अल्बेनियंस, मैसेकर मतलब क्या है, किलिंग ऑफ पीपल ऑन लार्ज स्केल विच इज सिमिलर टू अगेन ज्यूस मैसेकर इन हिटलर जर्मनी, ठीक है। तो वही वाली केस यहाँ पे, तो देयर वॉज अ मैसेकर ऑफ अल्बेनियंस कैरिड आउट बाई द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो वो तो यूगोस्लाविया को अपना देश मानते थे, कोसोवो में आराम से रहते थे यूगोस्लाविया के अंदर ही, और ऐसा लगता था कि जो सरकार है वो उनकी भी सरकार है। लेकिन आपने क्या देखा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अंदर में उसी उन्हीं के देश की आर्मी जो उन्हीं का नरसंहार कर रही थी, उन्हें ही मार रही थी, फाइन। तो ऑल दिस वॉज हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, और ये जो करने वाला लीडर था, करवाने वाला लीडर था, वो भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था। अब स्थिति समझो आप, तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर ग्वांटानामो बे में तो अलग ही केस था कि वहां तो उठा के लाए लोगों को, देश किसका था पता नहीं, यूएस ने बिल्कुल गलत किया। लेकिन सऊदी अरेबिया में सर इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं थी, इस कारण से वेमेन को राइट नहीं थे, इस कारण से वहां पे सेकुलरिज्म नहीं था, इस कारण से वहां पे हेरिडेटरी मोनार्क था, तो डेमोक्रेसी नहीं थी ना सर वहां। लेकिन यहां तो सब कुछ डेमोक्रेटिक ही दिख रहा है आपको, मिलोशेविक जो लीडर बनता है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होने के बाद में बनता है, आर्मी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ही क्या कर दे रहा है, अत्याचार कर दे रहा है, लोगों के राइट्स को वायलेट कर दे रहा है। तो व्हाट लेसंस डू वी गेट फ्रॉम ऑल दीस, तो ये जो तीनों स्टोरी पढ़ी हमने, इन तीनों स्टोरी से क्या आपको मैसेज मिला, क्या आपको लेसन मिला, क्या मिला? पहली चीज कि इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड बाय एनीवन, अधिकारों का उल्लंघन जो है वो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक मोनार्क इलेक्टेड लीडर या फिर कोई भी हो, किसी भी तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आम जनता जो है उनका, उनके अधिकारों का उल्लंघन, उनके अधिकारों का हनन किया जा सकता है और वो हुआ है देश में। दीज आर दी एग्जाम्पल्स, दीज आर दी केस स्टडीज विच वी स्टडी जस्ट नाउ टू गेट टू दिस पॉइंट ओनली, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ही हमने सारी चीजें पढ़ी कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता आया है और वो हो रहा है, बजाय उसके कि वो डेमोक्रेसी है नॉन डेमोक्रेसी है क्या है, फाइन। तो केस इन ग्वांटानामो बे, सऊदी अरेबिया एंड कोसोवो आर दी मतलब आर दी क्लासिकल एग्जांपल्स, वी शुड नॉट से क्लासिकल, लेकिन बट दीज आर दी इनफेमस एग्जांपल्स व्हिच शोज दिस दैट द वायलेशन ऑफ राइट्स टेक्स प्लेस, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हिच इज प्रिवेलिंग ओवर देयर। आर दी पॉइंट्स क्लियर टिलियर? तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई कि हाँ सर स्थिति खराब हो सकती है कहीं भी। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेसी में राइट्स का वायलेशन नहीं होता है, होता है, फिर भी डेमोक्रेसी रख रहे हैं, तो उसके पीछे कारण समझो। देखो तो रिलेशन ऑफ राइट्स एंड डेमोक्रेसी, तो नो डाउट डेमोक्रेसी में ये सारे तीनों एग्जांपल देखे, इनमें से हमने एक एग्जांपल डेमोक्रेटिक सेटअप का भी देखा कि राइट्स का वायलेशन यहां भी होगा, लेकिन राइट्स जो है नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में तो आपको मिलेंगे ही नहीं। नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या गारंटी कि आपको राइट्स मिल जाएंगे, यहां राइट्स मिलने के बाद वायलेट हो रहे हैं ना, वहां तो राइट्स मिलेंगे ही नहीं। तो डेमोक्रेसी में एटलीस्ट देयर इज स्कोप फॉर राइट्स, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट देयर इज स्कोप फॉर राइट्स एश्योरेंस नॉट ओनली ऑन द पेपर बट इन रियलिटी। तो आप बोल रहे सर सर डेमोक्रेसी में एश्योरेंस है, तो एश्योरेंस डेमोक्रेसी में कहां से मिलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन वाले चैप्टर में पढ़ा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सारी चीजें होती है, तो अश्योरेंस तो होती है, लेकिन वो अश्योरेंस जो होना चाहिए शुड नॉट ओनली ऑन पेपर बट इन रियलिटी, अश्योरेंस हकीकत में होना चाहिए, सिर्फ पेपर पे ना हो कि हाँ आपको राइट्स दिए जा रहे हैं, वो अश्योरेंस आपको हकीकत में मिलना चाहिए। जैसे कोसोवो के केस में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था, इलेक्शन भी थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी राइट्स का वायलेशन हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। वेर एटलीस्ट मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन एंड दिस इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ राइट्स, और राइट्स की बेसिक स्पिरिट यही है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें अश्योरेंस मिलेगी, और वो अश्योरेंस सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो अश्योरेंस रियलिटी में होना चाहिए, और ये राइट्स की बेसिक स्पिरिट है। ठीक है, राइट्स की जब बात करते हैं तो दिस इज द बेसिक स्पिरिट, हाउ कैन वी डिफाइन इट, ठीक है, व्हाट आर द राइट्स, तो ये पॉइंट समझ लो, यहां पे क्वेश्चन बनता है आपका।
देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, किस किस तरह से बनेंगे। तो ग्वांटनामो बे की स्टोरी पूछी जा सकती है ब्रॉडली कि व्हाट हैपेंड इन ग्वांटनामो में, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट आर द राइट, हाउ द राइट्स आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड इन सऊदी अरेबिया, व्हाट नरेट द स्टोरी व्हिच टुक प्लेस इन कोसोवो। तो उस तरह से किसी भी केस स्टडी से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा अगर राइट्स पे क्वेश्चन बनता है तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइट्स, व्हाट आर राइट्स, डिफाइन देम। तो ये डेफिनेशन जो है ना, ये क्लास 9 तक नहीं, ये डेफिनेशन आपको जीवन भर मदद आएगी। कौन सी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन देखो। तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। सॉरी तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स, पहली चीज यहां पे राइट्स क्या है, रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी सैंक्शन्ड बाय लॉस। तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को एसेंस लेकर चलना, उन तीनों चीजों को अच्छे से समझना। क्या हो रहा है, रीजनेबल क्लेम की बात की जा रही है। तो राइट्स होते क्या है, मतलब कुछ नहीं रहेगा, व्हाट आर राइट्स, राइट्स होते क्या है। तो राइट्स मतलब वो सारे अधिकार जो मैं ले सकूं, जो मैं एक्सरसाइज कर सकूं, जो मैं एक्सरसाइज कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मेरी इच्छा है कि मैं बिना किसी बंदिशों के बाहर घूम सकूं। अब बाहर घूमना मेरी इच्छा है, ठीक है, ये मैं चाह रहा हूं कि ये मुझे मिले, मैं एक्सरसाइज कर पाऊं इस चीज को कि मैं अपने घर से बाहर निकल सकूं, खुली हवा इनटेक कर सकूं। तो ये क्या है, एक रीजनेबल चीज है कि यार कोई भी इंसान अगर बाहर निकलना चाह रहा है तो उसे रोको मत आप। तो हर वो चीज जो रीजनेबल है और जो एक इंडिविजुअल क्लेम करना चाहता है। अब आप क्लेम कर रहे हो क्या कि मेरे बाजू में जो भैया रहते हैं, ठीक है, तो मुझे एक अधिकार दे दो बस कि वो भैया की अच्छे से पिटाई लगा दो क्योंकि मैं छोटा था जब मेरे गाल चूंटते थे वो बहुत ज्यादा ऐसे, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे उसमें, अब आप उसमें क्या बोल रहे हो कि भैया की पिटाई लगा रहे, तो भैया का भी तो कुछ शरीर है, ठीक है, उन्होंने तो आपको प्यार मोहब्बत से खिलाते हुए आपके गाल ऐसे छून दिए थे, ठीक। तो लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो, मेरा तो क्लेम यही है, राइट्स वही होते ना जो आप क्लेम कर सकते हो, तो मेरा तो क्लेम यही है कि वो भैया की मैं पिटाई कर दूं एक बार। तो ये क्या हो गया, ये अनरीजनेबल नहीं हो गया, समझ में आया। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि राइट्स क्या होंगे, राइट्स वो सारी चीज होगी जो रीजनेबल क्लेम्स होंगे, समझ पा रहे हो। तो विच कैन बी जस्टिफाइड, द क्लेम्स विच कैन बी जस्टिफाइड आर द रीजनेबल क्लेम्स। तो राइट्स की डेफिनेशन में क्या आएगा, राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। अब आप जिस चीज का अधिकार चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं क्या कि फॉर एग्जाम्पल विमेन की एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, महिलाएं चाह रही कि उन्हें इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। आज से 200 साल पहले अगर वो ऐसी बात करती तो शायद उनको क्या है कि कोई इक्वल वोटिंग राइट देने को तैयार ही नहीं था। क्यों, क्योंकि सोसाइटी तैयार नहीं थी उस चीज के लिए, सोसाइटी उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, सोसाइटी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट विमेन शुड ऑल्सो बी गिवन दी वोटिंग राइट। बहुत लेट विमेन को वोटिंग राइट मिले, समझ में आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ आपका रीजनेबल क्लेम काफी नहीं है, आप जो क्लेम कर रहे हो वो रीजनेबल है, समझ में आ गया, लेकिन सोसाइटी शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन राइट्स को एक्सरसाइज कहां करोगे, समाज के बीच में। एक और अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे LGBTQ, ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है, अब ये कम्युनिटी क्या कर रही है, अपने राइट्स चाह रही है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर राइट्स हो सकते हैं, मैरिज को लेकर राइट्स हो सकते हैं, वो अपना रैशनल देते हो, अपना रीजनेबल क्लेम दे रही है। लेकिन आप जिस देखोगे तो आज सोसाइटी उस तरह से ग्रो हो रही है, सोसाइटी ओपन हो रही है, लिबरल हो रही है, तो एक्सेप्ट कर रही है उन सारी चीजों को, लेकिन एक समय था जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो वो उनकी जगह पे रीजनेबल थे क्लेम्स को लेकर, बट सोसाइटी वॉज नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज दोस क्लेम्स। तो सिर्फ इंसान के रीजनेबल क्लेम से काम नहीं चलेगा, वो रीजनेबल क्लेम्स जो होंगे वो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए, और जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर लेगी, जैसे विमेन का मैंने आपको बताया कि विमेन को वोटिंग राइट 200 साल पहले जब विमेन बात करती थी तो हार्डली देर वर फ्यू सोसाइटीज विच वर रेडी टू एक्सेप्ट दी विमेन्स क्लेम ऑफ हैविंग राइट्स, वोटिंग राइट। लेकिन आज आप जिस देखोगे तो सऊदी अरेबिया में जब वोटिंग राइट वगैरह नहीं दिख रहे हैं तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये तो अजीब सी सोसाइटी है, समझ में आ रहा है। तो सोसाइटी का रिकॉग्निशन उन क्लेम्स पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। सैंक्शन बाय लॉ का मतलब क्या है कि जो हमने क्लेम किया, जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, उस चीज को क्या होना चाहिए, लॉ के द्वारा अप्रूवल भी मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब किसी चीज को डिबेट करके डिस्कस करके सैंक्शन बाय लॉ मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का बैकिंग मिल जाना, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाना। अब जब गवर्नमेंट का सपोर्ट है, व्हेन इट इज सैंक्शन बाय लॉ, देन
सेंक्शन मतलब गारंटीड होगी ना एक तरह से। जैसे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो, प्रोडक्ट रीजनेबल था कि आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी चलते थे सारी सोसाइटी में, सभी लोग खरीदते भी थे वो आपका रेफ्रिजरेटर, एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी कोई वारंटी नहीं है, मतलब इट इज नॉट बीइंग बैक्ड बाय दी कंपनी। तो अगर आपने ले लिया चल गया तो राम भरोसे, और नहीं चला तो खराब हो गया तो कोई गारंटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल डील नहीं रही है आपकी वॉशिंग मशीन वाली। लेकिन अगर ऐसा होता कि हाँ आप चाह रहे हैं, सोसाइटी में सब लोग भी खरीद रहे हैं, उसकी वारंटी भी मिल रही है, इट इज बीइंग बैक्ड बाय दी कंपनी, तब क्या होगा, खराब होगा तो आप कंपनी से जाके सुधरा सकते हैं। वैसे अगर अधिकारों की बात की जाए तो रीजनेबल क्लेम्स है जो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज कर लिए, और उसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीछे से बैकिंग दे रही है कि हाँ बेफिक्र होकर रहो, तुम्हारा अधिकार है राइट टू वोट। अगर राइट टू वोट मतलब जैसे आपको वोटिंग से रोका जा रहा है तो आप क्या करोगे, सरकार के पास जाओगे तो सरकार आपके अगर राइट्स वायलेट होंगे तो आपकी मदद करेगी। जैसे क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में कोई किसी के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, इक्वालिटी होना चाहिए रीजनेबल क्लेम है। सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि यार जाति के आधार पर भेदभाव मत करो। लेकिन अगर मान लो हो गया तो इसी के लिए क्या लॉ उसे सैंक्शन करता है कि अगर वायलेशन होगा तो वायलेशन के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है, विथ योर राइट्स। तो दिस इज द एग्जैक्ट एंड द परफेक्ट आई शुड से डेफिनेशन फॉर राइट्स, कि राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। आर द थिंग्स क्लियर टिल हियर, क्या चीजें क्रिस्टल क्लियर है, तो वो यहां पे कहानी बताई गई है। तो व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हमने राइट्स तो समझ लिया, ठीक है, डेमोक्रेसी और राइट्स का रिलेशन बता दिया कि डेमोक्रेसी में आप क्लेम कर सकते हो, रीजनेबल क्लेम्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट जो है सैंक्शन दे सकती है बाय लॉ, ठीक है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, वो सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में राइट्स में डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, राइट्स के लिए वो कंडीशन इन्वायरमेंट देती है डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो Why do we need rights in democracy? अच्छे से समझना, तो rights in democracy do play a very important role. क्यों? क्योंकि देखो democracy में rights होंगे तभी क्या हो पाएगा, तभी democracy sustain कर पाएगी, ठीक है। Democracy में rights होंगे तभी minorities को majority के oppression से बचाया जा सकेगा। Democracy में rights होंगे तभी आपको क्या देखने को मिलता है, rights protect citizens against the government, ठीक है। तो democracy में rights होंगे तभी क्या होंगे, कि एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आप किसी पैसे वाले का नाम ले देंगे, कोई बड़े से गुंडे मवाली का नाम दे दोगे, लेकिन नहीं, देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई होता है तो वो होती है सरकार, और आम जनता को सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है अगर किसी से, तो सरकार से बचाने की जरूरत है, ठीक है। तो राइट्स के क्या क्या एडवांटेजेस है, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, वो चीज समझना, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट ऐसा ही कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइट्स, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो आपने राइट्स की डेफिनेशन दे दी, और फिर आप व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी अगर लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स, बिकॉज द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन राइट। अगर आपके पास अधिकार होंगे तभी तो डेमोक्रेसी चल पाएगी, जब आपके पास वोट देने का अधिकार होगा तभी तो आप डेमोक्रेसी में वोट दे पाएंगे, जब आपके पास में अधिकार होगा राइट टू एक्सप्रेस तभी तो आप डेमोक्रेसी में अपनी खुशी डेमोक्रेसी से अपनी नाखुशी जाहिर कर पाओगे, ठीक है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आपके पास में यह अधिकार नहीं होगा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो फिर आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कैसे करोगे, है कि नहीं। तो राइट्स आर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन राइट्स, राइट्स के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है पूरा का पूरा, समझ गए। ये केस एक हुआ, दूसरा क्या है, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, राइट्स जो होते हैं तो वो माइनॉरिटीज को बचाते हैं फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। अब डेमोक्रेसी में आप एक चीज जो देखते हैं, डेमोक्रेसी में अब सवाल ये भी आता है क्या कि मेजोरिटी को ही हमेशा माइनॉरिटी को ही क्यों बचाना, मेजोरिटी को भी तो खतरा हो सकता है। तो सीधा सा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि मेजोरिटी जो होता है ना, डेमोक्रेसी रिसाइड्स ऑन मेजोरिटी, डेमोक्रेसी चलती ही मेजोरिटी बेसिस पर है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी में रह जाते हैं वो लोग क्या रहते हैं, दे आर वल्नरेबल। उसी के चलते क्या है कि जब अधिकार होंगे तो अधिकार मेजोरिटी के पास भी होंगे, माइनॉरिटी के पास भी होंगे, तो ना मेजोरिटी का गलत होगा ना माइनॉरिटी का गलत होगा। तो वो चीज यहां पे बताई गई है कि डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों जरूरी, तो एक तो हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी को खुद को चलने के लिए राइट्स की जरूरत जरूरी है, साथ ही साथ क्या है, माइनॉरिटीज को मेजोरिटी के ऑपरेशन से बचाने के लिए राइट्स कैन इंश्योर दैट मेजोरिटी कैन नॉट डू व्हाट एवर इट लाइक्स, ठीक है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के हिसाब से सब चलता है, लेकिन जब अधिकार रहेंगे तो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी को जो ठीक लगे वो कर दे, माइनॉरिटीज के पास भी अधिकार है, वो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। और इन जनरल मैंने आपको बताया जैसे कि एक चीज जो और महत्वपूर्ण है
कि देश में सबसे ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट होती है, और कहीं गवर्नमेंट, जैसे हमने कोसोवो के केस में देखा कि वहां जो हो रहा था सरकार ही तो कर रही थी, तो कहीं सरकार ही लोगों को क्या कर दे, प्रताड़ित ना कर दे, इस कारण से लोगों के पास अधिकार होना जरूरी है। तो राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट्स जो होते हैं वो सिटीजंस को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बचाते हैं। समटाइम द इलेक्टेड गवर्नमेंट में ऑल्सो अटैक द राइट ऑफ देयर ओन सिटीजंस, एग्जाम्पल कोसोवो में जैसे अल्बेनियंस ने सफर किया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए देयरफॉर सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन गवर्नमेंट, तो कुछ अधिकार ऐसे होना चाहिए जो सरकार से भी ऊपर जाए। इसीलिए आप जैसे देखोगे तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ पढ़ा था कि लॉ मेकर शुड नॉट बी द हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है, जो लॉ बन चुका है वो उनसे ऊपर होना चाहिए। तो व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रहेगा ना क्या क्या पॉइंट लिखना है। पहली चीज कि राइट्स जो होते हैं तो राइट्स के बेसिस पर ही डेमोक्रेसी सस्टेन करती है। दूसरी चीज, माइनॉरिटी को मेजोरिटी के ऑपरेशन से बचाने के लिए राइट्स जरूरी है। तीसरी चीज, राइट्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो वो राइट्स बचाते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब जैसे अगर हम आगे बढ़े तो हमने राइट्स का पूरा समरी समझा दिया मैंने आपको यहां पे कि राइट्स क्या है क्या नहीं है, राइट्स क्यों जरूरी होते हैं, तीन केस स्टडीज हमने पढ़ी है। अब जैसे एक कदम और आगे बढ़े तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थिति है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थिति है, तो इफ वी गो बाय द डेफिनेशन, राइट्स आर सैंक्शनड बाय लॉ। तो इंडिया में भी जो राइट्स दिए आपको सारा किसने दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। फाइन, तो ब्रॉड हेडिंग हमारी यही है कि राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स की तो डेफिनेशन हमने वहां पे जो समझी थी वो क्या थी, कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। तो जो सैंक्शन बाय लॉ है, तो सैंक्शन बाय लॉ कैसे है, तो राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चाहे इंडिया की बात कर लो, चाहे यूएसए की बात कर लो, किसी भी देश की बात कर लो, किसी भी देश में जो राइट्स दिए जाएंगे दोज राइट्स विल बी सैंक्शन्ड बाय द लॉ प्रिवेलिंग ओवर देयर। यूएसए में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइप से है ना, देयरफॉर वी रिस्पेक्ट देम। और यही कारण बनता है जिसके चलते हमें क्या करना पड़ता है, राइट्स के लिए नतमस्तक होके जो लॉ में लिख दिया उसे नहीं मानोगे बहुत मारती पुलिस, ठीक है। तो उसके चलते क्या होना, क्या करते हैं हम लोग, लॉज को ब्रेक नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वी आर अबाइड बाय द लॉज, ठीक है। तो सम राइट्स आर फंडामेंटल टू आवर लाइव्स एंड आर गिवन स्पेशल स्टेटस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। अब अगर राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें जो पहला पैराग्राफ है, तो वहां पे एक चीज बताई गई है आपको कि ठीक है राइट्स तो समझ में आ गए, सैंक्शन बाय लॉ एंड वी रिस्पेक्ट देम एंड ब्ला 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 टाइप की कहानी है, लेकिन कुछ राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, फंडामेंटल। अब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, इस टाइप से कुछ कुछ पढ़ते हैं ना, तो फंडामेंटल मतलब क्या है, जो बहुत बेसिक है। तो ये जो अधिकारों का समंदर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे राइट्स आपको दिए गए, इन पूरे राइट्स में कुछ राइट्स ऐसे होते हैं बेचारो वेरी एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल, आपके जीवन यापन के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विच आर फंडामेंटल टू आर लाइफ, जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे जो बहुत एसेंसफुल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल राइट्स रहते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल टू आर एग्जिस्टेंस आर लाइफ, देयरफॉर दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। समझ में आया फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो ये फंडामेंटल राइट्स वाली कहानी भी हमने समझ ली। तो इफ वी गो बाय द डेफिनेशन, तो राइट्स आर समथिंग विच इज सैंक्शन बाय लॉ, और इस चलते हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ कुछ हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल चालू करोगे आप 13 से चालू करते हैं, जैसे अगर हम 13-14 से स्पेसिफिकली, तो 32 तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स दिए गए हैं, जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अपने आप में एक चीज है, और उन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के जो 10-20 आर्टिकल्स हैं, ये पूरे के पूरे आर्टिकल अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स जो है, तो फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली 6 कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन्हें एक एक करके हम समझेंगे आगे, ठीक है। ये वो राइट्स हैं जो आपने क्लास 8th में भी पढ़े, ये वो राइट्स हैं जिन्हें आप शायद कह सकते हो कि आम बातचीत की भाषा में, जैसे कुछ आपको कोई बोलने नहीं देते तो आप क्या बोलते हैं, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियंस। तो ये क्या हो गया, ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर में आएगा, फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील।
समझे। तो उस तरह से क्या है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स क्या है, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हम देखें तो दे कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू सिक्स कैटेगरीज, एंड दीस सिक्स कैटेगरीज वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। ठीक है, एक एक से सारी कैटेगरीज को पढ़ते हैं। तो जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात की जाए, राइट टू इक्वालिटी पे आते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, मतलब जहां आप ये मान के चलते हैं कि वॉट विल प्रिवेल, नथिंग विल प्रिवेल ओवर द लॉ। सबसे ऊपर कौन रहेगा, लॉ सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और विधायक जी और सांसद जी सब आएंगे। समझ में आया? तो सबसे ऊपर क्या रहेगा, लॉ रहेगा। रूल ऑफ लॉ जो है तो वो क्या एस्टैब्लिश करता है, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है। राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि आप सभी को समान नजरों से इक्वल कंसिडरेशन देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हो, वो राइट टू इक्वालिटी कहलाता है। तो राइट टू इक्वालिटी में द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ चलता है, जहां पे नो वन इज अबव लॉ। ध्यान रखना, राइट टू इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहां पर नो वन इज अबव लॉ। लॉ जो होगा, लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल, इट मींस दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। ठीक है, लॉ जो होगा सभी को सेम रूप से सभी के ऊपर लॉ अप्लाई किया जाएगा, एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं, सब कानून के ही अंडर में है, कानून के ही दायरे में है, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये वाला कंसेप्ट जो होता है ये इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है। अब जब आप सबको कानून के दायरे में रख रहे, तो मतलब क्या है कि कानून अंधा होता है। ठीक है, कानून अंधा होता है इन द सेंस कि वो अगर दिखेगा तो सबको एक नजर से दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर तो आपको कुछ एडेड एडवांटेजेस मिल जाएंगे, आप प्रेसिडेंट हो तो आपको कुछ और एडेड एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, Everyone, irrespective of their post positions, will be treated equally, and this is the essence of rule of law, which establishes right to equality. Fine, which establishes right to equality. So all citizens are subject to same law. ठीक है, same law मतलब क्या है? Rule of law है। समझे? तो example, prime minister facing trial. तो जैसे आप हमारे देश में देखोगे, तो हमारे देश में आपको ये देखने को मिलेगा कि prime minister जो हैं, उन्हें तक मुकदमा, उनके ऊपर तक मुकदमा चलाया। कौन? पीवी नरसिम्हा राव की बात की जा रही है यहां पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से भी अगर आप देखोगे तो राइट टू इक्वालिटी ऐसे एस्टैब्लिश किया जाता है कि आप रूल ऑफ लॉ लेके चलो, जहां पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्या है, वो एक आम देश का एक आम नागरिक है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, सभी को समान नजरों से देखा जाए, सभी के लिए कानून सेम रहे। तो under right to equality, government should not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex or place of birth. तो right to equality में क्या बताया जा रहा है, right to equality में बताया जा रहा है कि equality होगी, equality of opportunity, और वो तो खैर आगे पढ़ेंगे, लेकिन equality तब होगी ना जब आप क्या करोगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, ये हमारे constitution में दिया गया है, जो कि equality establish करता है। तो no one should be discriminated against each other on ground only of religion, race, caste, sex or place of birth. सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो महिला है और वो पुरुष है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हो, इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर रहे हो। एवरी सिटीजन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, एंड देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड्स टू देयर यूज। उसके बाद में देखो ये एक एक आर्टिकल के अंदर आ रहे हैं, आर्टिकल 13, 14, 15 इस टाइप से। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिमिनेशन आप सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पर नहीं कर सकते हो, और उसके अलावा हर इंसान जो है वो पब्लिक प्लेसेस जो है तो दूसरे इंसान के बराबर के हक में उन पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसको उस पब्लिक प्लेस तक पहुंचने में आप किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कि नहीं ये यहां पैदा हुए तो इस कारण से इन लोगों के लिए ये जगह नहीं है, ऐसा नहीं। फाइन, वो चीज तो एवरी सिटीजन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, एंड देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू देयर यूज। इक्वालिटी शुड बी देयर इन केस ऑफ पब्लिक जॉब्स। पब्लिक जॉब्स की जब बात की जा रही, तो पब्लिक जॉब्स की जब बात की जा रही, तो उस केस में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। अगेन अब ये यहां पे एक पॉइंट आ गया, क्या क्या बोलोगे सर, पब्लिक जॉब्स यानी कि क्या, कि गवर्नमेंट में जॉब या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जैसे अगर आप देखेंगे एडमिशन, तो वहां पे इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन वो इक्वालिटी आप रिजर्वेशन देके तो खत्म कर दे रहे हो। फाइन, रिजर्वेशन देके खत्म कर दे रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। क्या क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, कि देन व्हाई गवर्नमेंट गिव्स रिजर्वेशन। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है। अब पढ़ना जैसे जैसे आगे स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे सिविक्स वगैरह में इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कम अक्रॉस दिस
प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं यहां पे, समझ में आ रहा है कि ये इक्वालिटी के लिए क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल एक्सेस हो, इक्वालिटी शुड बी देयर इन केस ऑफ पब्लिक जॉब्स की बात की जा रही है, लेकिन आप रिजर्वेशन दे के तो जो बोल रहे हो उसी का अपोजिट कर रहे हो कि इक्वालिटी होना चाहिए पब्लिक जॉब्स में, लेकिन आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप किसी को फायदा दे रहे हो, किसी को पीछे रख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो कथनी और करनी में डिफरेंस हो गया। बोल रहे हो कि इक्वालिटी होना चाहिए लेकिन इक्वालिटी तो होती नहीं है, तो आर रिजर्वेशंस अगेंस्ट द इक्वालिटी क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पे आपको एक चीज समझना होगा कि रिजर्वेशंस जो है ना, तो रिजर्वेशंस आर नॉट अगेंस्ट द इक्वालिटी। कैसे, अब वो मैं जस्टिफाई करता हूं। रिजर्वेशंस इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में नहीं है। अब जैसे आप सभी ने ये वाला कहीं ना कहीं अपने फैमिली ग्रुप्स पे व्हाट्सएप में जरूर देखा होगा, एक बार और देख लो। क्या अब देखा, एक हाथी है, एक पेंगुइन है, एक बंदर है, एक मछली है, ठीक है, एक मछली है, एक कुत्ता है और एक सील है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक सेम टेस्ट एग्जाम, प्लीज क्लाइम दैट ट्री। उन्होंने बोल दिया कि फेयर सिलेक्शन हो, फेयर सिलेक्शन करवाने के लिए आए, सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, और एक जैसा टेस्ट ही होगा क्या, एक जैसा टेस्ट ही होगा कि आपको सबको पेड़ पे चढ़ना है। तो अब क्या होगा, ये मछली तो अपने आपको हमेशा मूर्ख समझ के बैठेगी कि वो तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि टेस्ट में तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी, पेड़ पे कैसे चढ़ेगी मछली। ठीक है, बंदर बोलेगा कि हाँ मैं ही सबसे होशियार हूं, क्यों, क्योंकि मैं ही पेड़ पे चढ़ सकता हूं, तो एक टेस्ट पास करके मैं सबसे होशियार। आ गया समझ में? तो अब बोलोगे सर इसका और इसका क्या तालमेल है, ये एक एग्जांपल था, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर आप यहां देख रहे हैं, यहां पे सब अनइक्वल है, और आप सबको अगर इक्वल करने की कोशिश करोगे, बोल दोगे कि सबको इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटी दे रहे, सब पेड़ पर चढ़ो एक जैसा टेस्ट, तो वो क्या हो गया, वो इक्वालिटी नहीं, वो इनइक्वालिटी हो गई, वो एक तरह से क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई है। जब लोग अनइक्वल पोजिशन पे है तो उन्हें अनइक्वल तरीके से ट्रीटमेंट भी देना होगा आपको। यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या कि जब देश आजाद हुआ तो आपने क्या देखा कि कुछ लोग प्रॉस्परस थे, अपर कास्ट के लोग थे, डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस नहीं किया, कुछ लोग प्रॉस्परस नहीं थे, कुछ लोग लोअर कास्ट में बिलोंग करते थे, ठीक है, उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस किया। और अब आप बोल रहे हो कि चलो अब तो देश आजाद हो गया, सबको ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो, बराबर से दौड़ाते हैं। तो बराबर से जब इस केस में अगर दौड़ाते हैं तो जो लोग यहां पर पहले से बेटर ऑफ पोजिशन में थे, ठीक है, दे दिस वॉज श्योर दैट दे आर गोइंग टू विन, ये तय था कि ये लोग जीत जाएंगे। तो उस कारण से क्या है कि जो लोग डिप्राइव्ड थे, अभी आपको उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें आपको कुछ एडेड एडवांटेजेस देना पड़ेंगे, ठीक है, और वो एडेड एडवांटेजेस किस फॉर्म में निकल के आए, रिजर्वेशन के फॉर्म में। तो इस मायने में रिजर्वेशन गलत नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये जो नजरिया है इस नजरिए से अगर देखोगे तो रिजर्वेशन गलत नहीं है। फाइन, आई होप यू गॉट इट। तो आर रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, नो दे आर नॉट, व्हाई, because equality doesn't mean giving everyone the same treatment, everyone ko same treatment doge to equality nahi ho rahi hai wo, sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity, theek hai, equal opportunities ensure karne ke liye aapko unequal treatment dena padega, to equals should be treated equally and unequal should be treated unequally, to jo saman sthiti pe hai उन्हें समान रूप से तोलो। अब जैसे बंदर ही बंदर होते हैं टीम में, तो बंदर और बंदरों में आपस में टेस्ट करवा दो, बिकॉज दे आर इक्वल्स एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, आप यही कंपटीशन करवाओ। लेकिन अब यहां पे आप देख रहे हो, अब जैसे मछली मछली है तो तैराकी का कंपटीशन करवाओ, अगर आप यहां पे ये भी बोल दो कि चलो जो स्विमिंग करके जीत जाएगा वो इक्वल टेस्ट ले लेते, तो फिर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पे अनइक्वल्स जो है, तो जैसे रिजर्वेशन का एग्जांपल यहां पे यही सूट करता है कि जो लोग पीछे रह गए थे उन्हें आगे करने के लिए आपको आगे धकाना पड़ेगा थोड़ा उन्हें, समझ रहे हो, उनके लिए आपको ट्रैक छोटा करना पड़ेगा, उनके लिए आपको वो रहे। अब वो आपका वाला पॉइंट मैं बिल्कुल एग्री करूंगा यहाँ पे कि सर अब तो वो लोग वेल ऑफ हो गए जो रिजर्वेशन का एग्जाम एडवांटेज आज भी उठा रहे, तो वो मॉडिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन पूरी तरह से रिजर्वेशन को खत्म कर देना ये अपने आप में सही नहीं है। फाइन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राइट टू इक्वालिटी में हमने क्या क्या देख लिया, राइट टू इक्वालिटी में हमने देखा कि किसी भी प्रकार से क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस वगैरह के, उसी के साथ साथ में क्या है पब्लिक जॉब्स में इक्वालिटी होना चाहिए, साथ ही साथ इक्वालिटी को जहां पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी जैसे छुआछूत की समस्या, अपर कास्ट लोअर कास्ट की प्रॉब्लम, अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स थी तो उनको बैन करना चाहिए, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज बैंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जहां पे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में क्या है सीरियस पनिशमेंट है जो लोग अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स क्वेश्चन समझ लो कैसे बनेंगे। फाइन, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, व्हाट आर द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच इंश्योर्स राइट टू इक्वालिटी, एक्सप्लेन देम। तो दीज आर द प्रोविजंस,
हर एक स्लाइड के पेज पे आपको आंसर मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा हुआ आता है तो राइट टू इक्वालिटी से सारी कहानी मिल गई आपको। रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, नो, ये आपको आंसर मिल गया, समझ रहे हो, वो चीज रहती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी चीज, जैसे अगर आप देखोगे सेकंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का सेट है, तो इक्वालिटी आपने देख ली, इक्वालिटी के बाद में फ्रीडम। अब फ्रीडम में क्या है, फ्रीडम में ऐसा थोड़ी पत्थर उठा के किसी को भी मार दिया वो भी आपको आजादी है। तो आजादी को भी आपको आजादी तब तक है जब तक वो डिफाइंड है, आजादी में आप हर चीज नहीं ले सकते हो, फाइन। तो उस सेंस में क्या है कि आजादी क्या है, राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आएगा, तो राइट टू फ्रीडम भी फंडामेंटल राइट है, एंड फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब क्या है कि आजादी यानी बंदिशों से मुक्ति है, बंधन ना लगे हो आपके ऊपर, आपको बांधा ना गया हो, जब आप बंधे नहीं हो तो आप आजाद हो, फाइन, और खुले हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सीमा तय ना की जाए, समझ रहे हो, बहुत गहरी बात बता दी मैंने बात बात में। तो बंधनों से आजादी आजादी है, लेकिन उस आजादी की एक सीमा भी तय होना चाहिए, क्लियर है। तो राइट टू फ्रीडम में वही वाली सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं कि राइट टू फ्रीडम क्या है। तो फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अभी रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है, तो बी इट इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट। तो ना गवर्नमेंट ना कोई दूसरा व्यक्ति आपके आजाद होने पर किसी प्रकार से बंधन ना लगाए, बंदिशें ना लगाए। और जब आप इन बंधनों से, इन बंदिशों से मुक्त हो, मतलब क्या है कि आप आजाद हो, तब आप आजाद हो, फाइन। तो फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, बी इट इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट्स, फाइन। तो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जैसे अगर आप देखोगे तो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू, किस किस चीज का राइट है सिटीजंस को, जैसे अगर आप देखोगे तो बता रहा हूं फ्रीडम एक ब्रॉड हेडिंग है। उस फ्रीडम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इन सारी चीजों की आजादी है। अब आजादी का मतलब ये नहीं कि वही मैंने आपको बताया पत्थर उठा के किसी को भी मारने लग जाओ, बोल दो आजादी है पत्थर मारने की। यहां पे आजादी को भी डिफाइन किया गया है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स को इन राइट्स देता है इन सारी चीजों पे, फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, असेंबल इन ए पीसफुल मैनर होना चाहिए, इन्हें आगे समझेंगे एक एक से, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन होना चाहिए, ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री का अधिकार होना चाहिए, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये एक अधिकार होना चाहिए, और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इस चीज की आजादी होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम कम्स विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। राइट टू फ्रीडम जो है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आता है। क्या क्या है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ना कि आजादी में भी सीमाएं तय होना चाहिए। तो वही एग्जांपल लेके चले हम पत्थर वाला, आप बोल रहे हो मैं तो अपने फ्रीडम का एक्सरसाइज कर रहा हूं कि मैं पत्थर उठा रहा हूं, पत्थर उठा के मार रहा हूं, ठीक है, ये मेरी आजादी है, ठीक है, आई शुड बी फ्री टू डू व्हाट आई फील। लेकिन आप तब तक फ्री है अपने एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जब तक वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। इसी के लिए ये चीज ध्यान रखना, यार स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, इट कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि आपकी आजादी एक्सरसाइज करने का आपको पूरी पूरी आजादी दी गई है, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया था क्या है, राइट्स आर दी रीजनेबल क्लेम्स, कुछ भी क्लेम नहीं कर लोगे कि मेरा राइट है कि मैं लोगों के बाल काट दूं सिर के, तो वो रीजनेबल नहीं है ना, इट इज साउंडिंग अनरीजनेबल। वैसे ही क्या होगा कि यहां पे सरकार भी आपकी आजादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, लेकिन उन्हीं आजादियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी और रीजनेबल। अब सरकार आपसे बोल दे कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हो, ठीक है, तो आप बोल दो ऐसे कैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर सरकार बोल रही है कि बाहर कोविड है तब बाहर नहीं निकल सकते हो, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाइए वो क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, समझे अच्छे से। तो इस तरह से क्या है, राइट टू फ्रीडम इनकॉर्पोरेट्स अ ब्रॉड राइट्स, ठीक है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble in peaceful manner, form association in union, move freely throughout the country, right to reside in any country, ठीक है, ये सारा आपका freedom का part है, लेकिन इन सारे expressions पे क्या किया जा सकता है, reasonable restrictions लगाए जा सकते हैं, मतलब ऐसे restrictions जिनका कोई एक rational हो, जिनका कोई एक reason हो। तो freedom is not unlimited license to do what one want, your freedom should not cause public nuisance or disorder। तो freedom जो है, तो freedom क्या होना चाहिए, फ्रीडम, आप अपनी फ्रीडम को, आप अपनी आजादी को ऐसे एक्सरसाइज करो कि वो एक पब्लिक न्यूसेंस या फिर डिसऑर्डर क्रिएट ना करे। एक अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपका, आपके पास अधिकार है कि आप गाना गाओ, ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अपनी सुरीली
आवाज में कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन अब आप रात में 2 बजे अपने छत पे पूरा स्पीकर सेट लगा के माइक में, ठीक है, मैं हूं जियान टाइप से जोर जोर से गाने लगे, तब क्या होगा? तब आप क्या कर रहे हो, आप एक पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो। आपके फ्रीडम से दूसरों की फ्रीडम भी है रात में आराम से सोने वाली, उस पर एंक्रोच कर रहे हो, समझ में आ रहा है? आप अपने राइट को एक्सरसाइज करो तब तक जब तक वो दूसरों के राइट्स को एनक्रोच ना करें। तो ये चीज जो है वो यहां पे बताई गई है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट, ये चीज ध्यान रखना है। उसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाट द अदर पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज फीलिंग बाय एक्सरसाइजिंग यूर राइट, ठीक है। आप अपने राइट को एक्सरसाइज करो तो सामने वाला कैसा फील कर रहा है वो चीज भी आपको ध्यान रखना होगी, कहीं उसके राइट्स ना वायलेट हो जाए। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फाइन, व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैव रैशनल और द गवर्नमेंट यूज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू प्रोटेक्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वेयर बाय इंडिविजुअल शुड एक्सरसाइज देयर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इन अ वे दैट दे डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अनदर पर्सन। समझ गए, ये राइट टू फ्रीडम की कहानी थी हमारी। राइट टू फ्रीडम में जैसे आप देखोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहली चीज होगी। फाइन, राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब क्या है कि एवरीवन्स आइडिया ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट एंड ही शी शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देम। हर इंसान का क्या है, अपने आप को, मतलब हर इंसान का सोचने समझने का नजरिया अलग होता है और इस कारण से क्या, हर इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी आजादी चाहेगा, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन एंड यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम। तो आप क्या है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से हो सकता है कि नाखुश ना हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपना डिसकंटेंट, आप फ्री है तो उन्हें क्रिटिसाइज करें। कैसे क्रिटिसाइज करो, तो ये चीज ध्यान रखना। वन में पब्लिसाइज हिज हर व्यू थ्रू पैम्पलेट मैगजीन न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे सर, मतलब मैं जो लिखना चाहूं, जो बोलना चाहूं, जिसको जैसे क्रिटिसाइज करना चाहूं कर सकता हूं क्या? क्यों, और हवाला क्या दूंगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आजादी मेरे पास बोलने की? नहीं, आपके पास आजादी जरूर है बोलने की, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। जैसे व्हाइल एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स, ठीक है, दूसरे लोगों के अगेंस्ट में वायलेंस नहीं इंस्टिगेट कर सकते हो कि दूसरे लोगों को आप प्रेरित कर दो किस चीज के लिए, कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेके माइक लेके खड़े हो गए और अपने सारे दोस्तों को झुंड बना के खड़ा कर लिया और भाषण देने लगे कि चलो आज इसके घर पे हमला करेंगे, तो आप किसी और के अगेंस्ट में वायलेंस इंस्टिगेट नहीं करवा सकते। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देके दंगे करवाने लायक भाषण, अगर भड़काओ भाषण दे रहे हो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ठीक है, यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। फाइन, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? हर स्लाइड पे एक आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन गया आपका कि व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर एक्सरसाइजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे क्या कि व्हाइल एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें क्या करना होगा, वी कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर, ठीक है, एक पॉइंट। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोगों को उस चीज के लिए प्रेरित नहीं कर सकते कि आप क्या कर जाओ, सरकार के ही विरुद्ध, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए चांदनी चौक पर खड़ा होकर बोल रहे क्या कि बस अब अपने को चलना है, कूच करना है किधर, प्रधानमंत्री आवास की तरफ और वहां पे हम हमला करेंगे इस टाइप से, तो आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही रेबेल करने को कह रहे हो, बागी बना रहे हो, ठीक है। तो बागी मूवी में ही अच्छे लगते हैं, तो उस तरह से क्या देखने को मिलता है आपको, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट भी बताता है कि फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको इन चीजों का इन पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ठीक है। नाइदर कैन यू यूज इट टू डिफेम अदर्स बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग्स दैट कॉज डैमेज टू देयर पर्सनल रेपुटेशन। अगर आप किसी के बारे में कुछ, जैसे मान लो क्या कोई चोर है, तो आप चोर को चोर तो बोल सकते हो, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को डिफेम कर रहे हो, गलत कह रहे हो किसी के बारे में, तो वो क्या हो सकता है, किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी को गलत कह रहे हो किसी के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह का उस पर्सन की रेपुटेशन, जो उस पर्सन की रेपुटेशन को खराब करने वाली बात हो जाएगी। तो उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलेगा, उसी के चलते आपको देखने को मिलेगा कि ये भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करते समय इस राइट का भी ध्यान रखना होता है। समझ गए? तो दिस इज द स्टोरी अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सॉरी,
तो ये हमारा भी ब्रॉड राइट टू फ्रीडम चल रहा है। तो राइट टू फ्रीडम में क्या है, एक फ्रीडम आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की है, दूसरी फ्रीडम आपकी किस चीज की है कि सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज, डेमोंस्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। ये भी आपकी आजादी है कि आप एक्सप्रेस ऐसे करना चाह रहे हो कि हम किसी चीज से खुश हैं ना खुश हैं, हम एसोसिएशन मनाना चाह रहे हैं, रैली करना चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस चीज की भी आजादी है। सिटीजंस ऑप्ट फॉर दिस मैकेनिज्म, मतलब राइट टू फ्रीडम में हम इस अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट और टू सीक वोट्स। वोट सीक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे, तो वो भी क्या है, वो हमारा एक तरह से क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे आप, ठीक है, वो चीज रहती है। तो सच मीटिंग्स डेमोंस्ट्रेशन शुड बी पीसफुल, पीपल शुड नॉट कैरी वेपन विद देम, ठीक है। और ये जो मीटिंग, अब यहां पे बस इतनी चीज ध्यान रखना है कि जब किसी भी तरह का क्या हो रहा है, प्रोसेशन निकाला जा रहा है, मतलब कह सकते हैं एक तरह से जुलूस निकाला जा रहा है, रैलीज निकाली जा रही है, डेमोंस्ट्रेशन अगर किसी तरह के हो रहे हैं, किसी तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए, सच मीटिंग डेमोंस्ट्रेशन शुड बी पीसफुल, पीपल शुड नॉट कैरी वेपन विद देम। अब पता लग रहा है आप क्या गन वन लेके निकल गए रोड पे और हवा में फायरिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप मीटिंग्स करो, प्रोसेशंस निकालो, रैलीज निकालो, डेमोंस्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करो, हर चीज की आजादी है आपको, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो आप क्या है, हथियार लेके नहीं जा सकते हो, क्यों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन, हथियार रहेंगे तो कब कहां हमला हो जाए, कब झड़प हो जाए, फिर सरकार थोड़ी ना सबको संभाल पाएगी एक तरह से। अब बोलोगे सर हमने तो देखा है रैलीज में लोग तलवार लेके चल रहे हैं, हमने तो देखा है कि लोग क्या करते हैं कभी कभी बंदूकों से भी हवाई फायरिंग करते हैं रैलीज में, शादियों में, तो यहां पे स्पेशल परमिशन लेके किया जा सकता है कि गवर्नमेंट को पहले से पता हो तो गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहे, समझे, गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहे। तो कैन एनीवन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, कैन एनीवन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात ये आती है कि सर प्रोटेस्ट करने के लिए जो राइट टू फ्रीडम है, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपने सारे क्लास के लड़के लड़कियों को लेके एक बार क्या करूं, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एक बार कुछ प्रोटेस्ट करूं, क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल, अंटिल एंड अनलेस आपको इंटरनल मार्क्स की आपकी चिंता ना हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो यस इट इज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए फ्री है, वर्कर्स इन फैक्ट्री, सिटीजंस एट वेरियस लेवल अगेंस्ट करप्शन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा have formed the organizations, have protested, demonstrated. जैसे आप example देखोगे तो क्या है, farm protest जो था, तो वो क्या था, peaceful तरीके से protest कर रहे थे, अन्ना movement, ठीक है, तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में, जैसे अगर आप देखोगे लोकपाल के लिए corruption के against में movements चले, organizations बनाई गई, demonstrations आए, ठीक। तो इस तरह से anyone and everyone is free to form organizations. Right to freedom में आपने देख लिया, freedom of speech and expression, freedom of having meetings, processions, rallies, demonstrations, ये भी एक issue हो गया। अगला और देखोगे जैसे third point, तो right to freedom के अंदर में freedom to travel to any part of country भी आपका एक अधिकार है, ये भी एक आपके पास में right है, क्या कि आप जब देश के नागरिक हो तो citizens are free to reside and settle in any part of the territory of India. Right to freedom एक broad right हो गया, उसके अंदर में freedom of speech and expression, freedom of protesting, ठीक है, होल्डिंग मीटिंग्स, पार्टीज, रैलीज, डेमोंस्ट्रेशंस, ये एक राइट आ गया। तीसरा एक और फ्रीडम के अंदर आपको इस चीज की भी फ्रीडम है दैट यू कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री, देश के नागरिक हो ना, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने के लिए वीजा लग जाएगा, क्योंकि एक ही देश का भाग है, तो आप जा सकते हो, सेटल हो सकते हो। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल 370 के रिवोक होने के पहले तक, उसके बाद में, और जैसे अगर आप देखोगे आज भी क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, हमें तो जाने नहीं दिया जाता, मतलब वहां सेटल नहीं होने दिया जाता कहीं कहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगेन वही आ जाते हैं, क्या कि कुछ एरियाज जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहां पे कल्चर बहुत सेंसिटिव है, वहां पे जो ट्राइब्स हैं तो वो उतने, मतलब आप जैसे देखते हो कहीं कहीं पे विजिट करने की अनुमति है लेकिन आपको वहां सेटल नहीं होने दिया जाता है, तो दे डू नॉट वॉन्ट इंटरफेरेंस इन देयर ट्राइबल कल्चर, देयरफॉर गवर्नमेंट इज गिविंग देम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कि आप यहां सेटल नहीं हो सकते हो। बाकी मेनली जैसे अगर आप देखो क्या कि कोई इंसान कहां रह रहा है, राजस्थान में रह रहा है, उसे जाके क्या साउथ इंडिया में सेटल होना है, तो ही और शी इज फ्री टू डू सो, समझ में आ रहा है, वो केस रहता है। तो एंजॉयिंग दिस राइट पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू टाउन्स, पुअर रीजन टू दी प्रॉस्परस रीजन, और इसी अधिकार को एंजॉय करते हो आप, जैसे देखेंगे तो बहुत सारा माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते हैं, लोग पुअर रीजन से रिच रीजन की तरफ, प्रॉस्परस रीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, अब फ्रीडम जो है तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ट्रैवल इन एनी पार्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस वगैरह, ये सारी चीजें, तो वही फ्रीडम आपको ऑक्यूपेशन के टर्म्स में भी है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा सिस्टम चलता था क्या
कि जो हेयर कट करते हैं तो उनके बच्चे भी हेयर कट करेंगे, ठीक है, जो कपड़े धोते धोबी है तो उनके बच्चे भी धोबी पड़ेंगे। पहले ऐसा चलता था, अब ऐसा नहीं है। यू आर फ्री टू चूज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर चॉइस। देखा नहीं आपने मूवी में, ठीक है, एक ही इंसान क्या करता है जीवन भर के में सारे काम कर लेता है, तो वो सलमान खान की मूवी देखी वाली, तो वो सारे काम कर लेता है। उसी टाइप से क्या है कि यहाँ पे ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम एक्सटेंड्स टू द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस आल्सो, दैट द इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज वॉट एवर ऑक्यूपेशन ही और शी वॉन्ट्स टू फॉलो। ऐसा नहीं कि वुमेन ये ऑक्यूपेशन नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल नीड ऑफ द लाइफ, ठीक है, जीने के लिए अधिकार है कि आपके पास ये अधिकार हो क्या कि आप जो काम करना चाह रहे हो आपको उसको काम करने की आजादी दी जाए, ठीक। अब बोलोगे मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, क्या तो डॉक्टर बनूंगा तो मुझे दे दो बस स्टेथोस्कोप और एक सिजेरियन ब्लेड वगैरह, लाओ किसी का ऑपरेशन कर दो, तो ऐसा भी नहीं है। उसके लिए आपको क्या है, डॉक्टर बनने के लिए प्रॉपर एक डिग्री चाहिए रहेगी। तो आप बोलोगे सर मेरे को तो डॉक्टर बनना है, फ्रीडम राइट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होना चाहिए, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही लगाया जा सकता है कि आपके पास डिग्री है, क्या आप क्वालिफाइड हो उस काम को करने के लिए, समझे वो चीज। तो ये हो गया फ्रीडम टू ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद में अगला क्या है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर में ही सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग। ये तो हो गया ना, ठीक है, नहीं ये वाला पार्ट चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रीडम अगेंस्ट डिटेंशन वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, फाइन। ये जो फोर्थ आपको दिख रहा है, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो चौथा पॉइंट जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर में, फोर्थ पॉइंट जो आएगा आपका क्या आएगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ही और शी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। यहां पे आपके पास फ्रीडम है दैट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, ठीक है, द राइट टू रिमेन फ्री, उस टाइप से कि आप आजाद रहे, आपको बिना किसी कारण के, बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब क्या होता है कि जिस तरह से लॉ में बताया गया है कि आपको, जिस तरह से लॉ में बताया गया मतलब कि जिस तरह से आपको लॉ में यह क्लियरली स्पेसिफाई करके दिया गया है कि किसी को अरेस्ट करना है तो क्या एक प्रॉपर लीगल नोटिस दिया जाएगा, लीगल नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में अरेस्ट किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे वही चीज बताई गई है, तो नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, जब तक कोर्ट लिख के नहीं देगा कि लाओ पकड़ के ले आओ इसको, तो आप किसी को अरेस्ट नहीं करोगे इस टाइप से, समझ में आ रहा है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि एवरीथिंग शुड बी गवर्न बाय द लॉ, and if the things are not governed by the law, no person can be denied his right to be free man, ठीक है, free man मतलब क्या, आजाद रहने की आजादी उससे नहीं छुड़ाई जा सकती है। right during the detention or arrest by police, तो जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उस समय पे भी अधिकार होते हैं इंसान के, क्या कि गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification। तो गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट या फिर पुलिस जो है वो किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं करती कि रोते चलते चलते तुम गलत साइड पे चल रहे हो, अरेस्ट कर लेते तुम्हें। जब तक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं देगी सरकार, आप पूछ सकते हो कि अरेस्ट करने आए हो, क्या वारंट है आपके पास में, ठीक है। देखो फिर क्या, अलग अलग केसेस होते हैं, तो अब मान लो किसी ने कोई मर्डर ही कर रहा है आपके सामने और आप वहां पे, सरकार ऐसा थोड़ी बोलेगी कि पहले वारंट लाओ फिर पकड़ेंगे उसे, तो वो एक्सेप्शंस रहते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, मतलब केसेस फिर अलग अलग होते हैं, केसेस की इंटेंसिटी के हिसाब से राइट्स भी बदलते हैं। लेकिन इन जनरल एक जो चीज है कि किसी एक आम इंसान को उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मुझे क्यों अरेस्ट करने आ रहा है, तो एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक वारंट दिखाना पड़ेगा, वाली चीज है, ठीक है। गवर्नमेंट और पुलिस हैज टू फॉलो सम प्रोसीजर व्हाइल अरेस्टिंग समवन, ठीक है। जब किसी को अरेस्ट करने की बारी आती है तो उस समय पे क्या है, गवर्नमेंट और पुलिस को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, फाइन। तो गवर्नमेंट और पुलिस हैज टू फॉलो सम प्रोसीजर वाइल अरेस्टिंग समवन। वो प्रोसीजर में क्या क्या होगा, तो वो प्रोसीजर में ये सारी चीज होगी कि इन्फॉर्म द रीजन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन फॉर दैट। सबसे पहले जिस इंसान को अरेस्ट कर रहे हो उसे तो बताओ कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस इंसान को इन्फॉर्म किया जाए, उसे एक पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, वारंट दिया जाएगा। द अरेस्टेड पर्सन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदिन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब जिसे अरेस्ट कर लिया गया, तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस अरेस्टेड पर्सन को आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और बताना पड़ेगा कि पुलिस के सामने नहीं, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमने क्यों इस इंसान को अरेस्ट किया। फिर मजिस्ट्रेट जो है तो वो बताएंगे यहाँ कि अरेस्ट वैलिड है नहीं है, क्या करना है आगे, ठीक है। सॉरी, फिर क्या है, अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज हर डिफेंस।
और जिस इंसान को अरेस्ट किया गया तो उसके पास में अपने आप को डिफेंड करने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। तो वो एक अपने लिए लॉयर वगैरह हायर कर सकता है, ठीक है, ये उसके अधिकार होते हैं। और इन सारी चीजों का गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को ध्यान रखना होता है जब वो किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रही होती है। तो दीज आर दी राइट्स, जैसे चौथी कैटेगरी देखोगे राइट टू फ्रीडम के अंदर, तो फ्रीडम टू बी अ फ्री मैन, ठीक है, मैन वुमेन दोनों कंसिडर कर लेना। तो आप जब तक आजाद हैं तब तक आपके ऊपर बाय लॉ ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स के हिसाब से आपके ऊपर क्या मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। यू कैन आस्क फॉर द लीगल जस्टिफिकेशन व्हेन समवन इज कमिंग टू अरेस्ट यू। क्लियर हुआ? तो आप बोल रहे हैं सर आप तो बताया ऐसे जैसे हमें क्राइम करने वाला है, हमें कोई अरेस्ट करने आने वाला है, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर जैसे देखेंगे इसके अलावा, तो हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम देख लिया, उसके साथ साथ में क्या आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी एक अधिकार है। मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखो, वैसे तो अगर आप जैसे देखोगे तो फ्रीडम के अंदर एक राइट अपने आप में जाता है, राइट टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी जो है, इक्वालिटी और लिबर्टी दे दी, इसका मतलब ये भी है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाए, आपको आजादी हो तो उसके चलते आपको कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, उसके चलते आपके साथ शोषण किसी प्रकार से नहीं होगा, मानसिक शारीरिक आर्थिक किसी रूप से आपके साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या है कि आपको लूट लिया जाए एक तरह से, या फिर आपके साथ गलत कर दिया जाए, वो चीज वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी और लिबर्टी वाला जो राइट्स हमने दो अभी दो पड़े राइट्स आगे, वो अपने आप में इतने सारे चीजों को इनकॉर्पोरेट करके चल रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस, येट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इट वॉज नेसेसरी टू राइट डाउन सर्टेन क्लियर प्रोविजंस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो वैसे तो राइट टू इक्वालिटी और लिबर्टी, जो लिबर्टी यानी फ्रीडम, उसके अंडर में एक्सप्लॉयटेशन ना हो ऐसे प्रावधान कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ये लिखा है ताकि जो वीकर सेक्शन है उस वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉयट होने से बचाया जा सके। क्या लिखा है देखो, तो तीन सब पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में तीन सब पॉइंट है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो है, तो ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक ना हो। ट्रैफिक ना हो मतलब क्या होता है? ट्रैफिक यानी, ट्रैफिक मींस सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, दस का दो इस टाइप से। कैसे? तो यहां जैसे अगर आप देखेंगे क्या है कि अधिकतर जैसे वुमेन हो गई, फाइन, बच्चे हो गए, तो इनको क्या कर लिया जाता है, इनको किडनैप कर लिया जाता है, इन्हें बेचा जाता है फॉर यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस। इमोरल पर्पसेस मतलब क्या है? इमोरल पर्पसेस जैसे देह का व्यापार होता है, जो जहां पे आपको देखने को मिलता है कि लड़कियों को खरीद के बेच दिया जाता है, फाइन। उसी के साथ साथ जैसे बच्चे हैं तो उनकी किडनी विडनी निकालने के लिए खरीद लिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को खरीदा बेचा ना जाए। ह्यूमन बींग्स जो है वो एक इंडिविजुअल डिग्निटी लेके चलते हैं और उनकी डिग्निटी है कि वो आजाद रहे, राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ा है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब क्वेश्चन ऐसा बनता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट आर द प्रोविजंस गिवन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, हाउ द एक्सप्लॉयटेशन इज बीइंग चेक्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द लॉज, तो वो किसी भी तरह से सवाल आ जाए। सवाल बहुरूपिया होता है, तो सवाल किसी भी तरह से आ जाए, आपको एसेंस ध्यान रखना है, ठीक है, एसेंस ध्यान रखना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक मींस सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पस। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर इन बेगार, फोर्स लेबर इन बेगार मतलब क्या है? प्रैक्टिस वेयर, दी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगा देना, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर और बेगार। क्या है कि आप काम करवा रहे हो किसी से, उससे आपने आज काम करवाया, उससे पैसे दो, महीने के एंड पे देना चाह रहे हो, महीने के एंड पे पैसे दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक बार पैसे देके उसको जीवन भर के लिए खरीद लोगे और जीवन भर काम करवाओगे, फाइन। तो बेगार वही होता है, फोर्स लेबर, या क्या, जबरन कम पैसों में बिना उसकी इच्छा के काम करवाया जा रहा है, या फिर पैसे ना देते हुए खरीद लिया, बेच लिया और काम करवा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब प्रैक्टिस बेगार क्या होता है? प्रैक्टिस वेयर अ वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस फॉर फ्री और एट अ नॉमिनल रेम्यूनरेशन। मतलब जब एक लेबर से आप क्या कर रहे हो, या तो बोल रहे हो कि हमने तुम्हारे पिताजी को पैसे दिए थे, वो उधार नहीं चुका पाए, तुम हमारे यहाँ काम करोगे, ठीक है, तो आप किसी को इस तरह से काम नहीं करवा सकते हो, किसी से आप इस तरह से सर्विसेज नहीं ले सकते हो कि लाओ फ्री में काम करो या फिर बहुत कम पैसे में काम करो। रेम्यूनरेशन मतलब पैसे देना, ठीक है, ये गलत है। बॉन्डेड लेबर इफ परफॉर्म्ड ऑन लाइफ लॉन्ग बेसिस, बॉन्डेड लेबर जो होता है इसका मतलब क्या है कि लाइफ लॉन्ग बेसिस पे बंधुआ मजदूर, जिसे कहते हैं ना कि एक बार पैसे देके जीवन भर काम करवाना कटप्पा टाइप से, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी गलत होगा। आई होप यू गॉट इट, सॉरी। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मतलब क्या है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये भी बताया गया कि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन है व्हेन दे आर बीइंग ट्रैफिक्ड, ठीक है,
उसी के साथ साथ में क्या है, चाइल्ड लेबर भी क्या है, एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही है, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर कैनॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हजार्डियस वर्क। तो 14 साल से नीचे के बच्चों को आप पहली बात तो काम पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, और उन्हें किसी भी तरह के काम पे एंगेज नहीं करो, और खास करके हजार्डियस वर्क। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्या हो गया, कि जो बारूद की फैक्ट्री थी ना पटाखे बनाने वाली, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे पटाखों में बारूद डालना होता है, तो छोटी छोटी उंगलियों से अच्छा काम होता है, तो इसके लिए क्या है, बच्चों को काम पे रखा जाता है पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज में। तो वो क्या हो गया, वो चाइल्ड लेबर का केस हो गया, और चाइल्ड लेबर को इसीलिए क्या सरकार ने प्रोहिबिशन लगाया चाइल्ड लेबर में, क्योंकि उनके हाथों में भी किताबें दो, बारूद नहीं, तो आगे चल के क्या कर देंगे, वो देश उड़ा देंगे इन द सेंस कि उसको लिटरल शब्द में मत लेना, कि वो देश का भविष्य है, और अगर आप उन्हें भविष्य बनाने में नहीं लगाओगे तो देश ऐसे ही उड़ जाएगा, फिर आप देश कैसे चलाओगे, समझ में आया, वो चीज है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर, तो ये सब कुछ बताया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब खरीदना बेचना, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर बना लेना, चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी करवाना बच्चों से। अब बोल रहे होंगे कुछ बच्चों के मन से आवाज निकल रही होगी, सर हम भी बाल मजदूरी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाते हमें, तो ये हजार्डियस वर्क नहीं है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू appreciate when you will be in your 20s, late 20s, कि हाँ उस समय पढ़ लिए थे तो आज मजे कर रहे हैं हम, fine, तो इसलिए पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, fine, आगे बढ़ते हैं अगर, तो अब जैसे क्या हो गया, जैसे आपने देखिए यहाँ freedom of मतलब freedom rights में हमने क्या देखा, right to equality देखा, right to freedom देखा, right against exploitation देखा, उसके बाद में क्या है, right to freedom of religion, अब ये वो right to freedom जो हमने पढ़ा था, तो right to freedom में freedom to practice, profess एनी रिलीजन आ गया था, लेकिन उसको और स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है क्या, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमारा अधिकार है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को जिस तरह से चाहें उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहां भी होंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह होंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह मिलेंगे आपको, हाँ, तो अब यहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी आपके पास में, कि आप जिस तरह से जिस धर्म को मानना चाह रहे हैं, पूजना चाह रहे हैं, नहीं मानना चाह रहे हैं, हर चीज की आजादी आपको, ठीक है, रिलीजियस रिजिडनेस नहीं होगी। जैसा हमने क्या देखा, सऊदी अरेबिया का केस देखा, सऊदी अरेबिया के केस में हमने क्या देखा, कि वहां पे लोगों के पास में धार्मिक आजादी नहीं है, ठीक है, वहां पे आपको जो स्टेट का रिलीजन है उसके टुवर्ड्स अपनी एलिजियंस दिखाना पड़ेगी, आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो मत करो, लेकिन अपने घर में रह के ना फॉलो करो, पब्लिकली यू कैन नॉट कंडेम द स्टेट रिलीजन ओवर देयर। तो उस तरह से हमारे यहाँ धार्मिक सहिष्णुता जो है, ठीक है, टॉलरेंस जो है, रिलीजियस टॉलरेंस, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी जितना हमारे यहाँ इंडिविजुअल जो है रिलीजन को लेके टॉलरेट करते हैं, कंट्री जितना टॉलरेट करती है, ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आर कंट्री फॉर दैट। तो राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल, राइट टू फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपने आप आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, वी आर अ सेक्युलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष देश है, और इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ना, तो इट प्रैक्टिस एन एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो सरकार यहाँ पे क्या करती, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती, किसी एक धर्म से नाराजगी नहीं जताती, सबको बराबर तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे क्या करती है, देखती है, और सभी धर्म जो है तो सभी धर्म को इक्वली सपोर्ट भी करती है। इस तरह का सेक्युलरिज्म आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। एट टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन करती रिलीजियस मैटर्स में टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वही धर्म के नाम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे धर्म के नाम पे आप अनटचेबिलिटी नहीं चला सकते हो, तो अनटचेबिलिटी बैन कर दी, वो तो था तो वर्ण सिस्टम का ही पार्ट रिलीजन का, लेकिन सरकार ने उसको बैन किया, क्यों, क्योंकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे आप विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, जैसे ट्रिपल तलाक में होता था, तो सरकार ने क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया ट्रिपल तलाक को, ठीक है। तो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करती है सरकारें, ये दिस इज समथिंग डिफरेंट इन इंडियन सेक्युलरिज्म, कि ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो कुछ भी करते रहो धर्म के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर उधर भी होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आपको पूरी आजादी है टू फॉलो द रिलीजन ऑफ योर विच यू लाइक, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, आपको इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, वो सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखना होंगे, ठीक है। तो एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, मतलब बताना, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म को प्रैक्टिस करना, हर चीज, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज हर ओन विल, ठीक है। और एक जो इंडिविजुअल होता है तो उसके पास में क्या है, अपना धर्म बदलने की पूरी पूरी आजादी होती है अपनी खुद की चाह पे, कोई फोर्स कर रहा है वो गलत है, लेकिन अगर वो खुद इंसान जो है वो बदलना चाह रहा है अपना धर्म, तो ही और शी इज अलाउड टू डू सो, फाइन, बट नो वन शुड कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट बाय फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अल्यूरमेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना होगी कि किसी को भी
फोर्स नहीं किया जाना चाहिए. इंसान जो है तो बट नो वन शुड बी कंपेल, नो वन शुड कंपेल अदर पर्सन टू कन्वर्ट. आप किसी को जबरन प्रेशराइज नहीं कर सकते हो. यू शुड बी फ्री टू फॉलो द रिलीजन विच यू वॉन्ट. अगर आपको धर्म बदलने की इच्छा है तो उस चीज की भी आजादी है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये कि आप किसी के डर में आके इंड्यूसमेंट, मतलब आपको सब बोलते लाओ 1 करोड़ रुपए दे रहे अपना धर्म बदल लो, तो इस तरह से अलूरमेंट से किसी भी तरह से ऐसा जो करेगा वो भी गलत और जो धर्म बदल रहा है वो भी गलत, ये चीज रहेगी. समझ में आया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया. अब इसके अंदर जैसे अगर आप देखोगे तो अंडर द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन नो वन कैन नॉट डू वॉट एवर ही शी वॉन्ट्स. अब धर्म के नाम पर लेकिन आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. आप धर्म फॉलो करो, प्रोपेगेट करो, प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं रिलीजन की, जो टीचिंग्स हैं उन्हें, लेकिन आप हर वो चीज नहीं कर सकते हो जो अनरीजनेबल हो. जैसे सेक्रीफाइस एनिमल और ह्यूमंस, ह्यूमंस और एनिमल्स को ऐसा धर्म के नाम से बस मारते जा रहे हो. आप बोलोगे सर बकरा ईद पे बकरे तो काटे जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से. अब जैसे मीट लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो वाली चीज हो गई है. फिर जैसे अगर आप देखोगे क्या है कि बाल तो काट देते हैं आप सर पूरे, तो वो वहां पे क्या हो गया, रिलीजियस सेरेमनीज का पार्ट होता है वो अलग है, लेकिन यू शुड नॉट, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन. समझ में आया, फोर्स नहीं किया जा सकता है. फिर क्या है, गवर्नमेंट्स वर्क ऑन बीइंग सेक्युलर. अब गवर्नमेंट ने क्या किया इस रिलीजियस न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, तो गवर्नमेंट इज नॉट फेवरिंग और नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग टुवर्ड्स एनी रिलीजन. गवर्नमेंट कैसे रिलीजन राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका देती है, और हाउ द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट इट रिमेन्स अ सेक्युलर स्टेट. तो नो फेवर, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे गवर्नमेंट जो है किसी प्रकार का कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देती, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करती कुल मिला के ये. और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तो क्या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जैसे आप देखते हैं बहुत सारे मिशनरी इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तो यहाँ पे क्या धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है? आप धर्म के बारे में बता सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड. आप किसी को धर्म के नाम पे मजबूर नहीं करोगे कि यार नहीं क्या करेंगे तुम, ये मानना ही पड़ेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में आया तो हमारे धर्म को मानो, नहीं ऐसा नहीं होगा. समझ गए? तो दिस इज दी होल केस अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की. यहां पे क्या लिखा है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. अभी हमने क्या देखा पिछली स्लाइड पे, पिछली स्लाइड पे देखा कि रिलीजियस राइट्स है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो जिसके चलते क्या है, हर इंसान के पास में वो आजादी कि वो जिस धर्म को फॉलो करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, प्रोपेगेट करना चाहे, प्रोफेस करना चाहे, वो कर सकता है. अब ठीक वैसे ही क्या है, मतलब वो उसका कल्चर है, तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज इन दैट राइट ओनली. ठीक है, जब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं. फ्रीडम के अंदर, फ्रीडम वाले राइट के अंदर रिलीजियस फ्रीडम ऑटोमेटिकली जाती है, और रिलीजियस फ्रीडम वाले राइट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि सबको अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपेगेट करने की आजादी है. लेकिन स्पेसिफिकली इसे और बताया जाता है, क्या स्पेसिफिकली इसे और बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है माइनॉरिटीज के वो क्या होंगे. अब आप बोलोगे सर माइनॉरिटीज के ही क्यों, मेजोरिटीज के भी होना चाहिए राइट्स. तो इसी चैप्टर में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि माइनॉरिटीज पे इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी में ये तो प्री कंसीव्ड है कि डेमोक्रेसी रिसाइड्स ऑन मेजोरिटी. तो मेजोरिटी तो हमेशा डेमोक्रेसी में क्या रहेगी, अपर एज लेके ही चलेगी, खतरा माइनॉरिटीज को होगा ऐसा माना जाता है. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटीज जो है तो माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, उसी के चलते आपको देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक राइट्स होते हैं जो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उनके कल्चर और उनके एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं. तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज के कैसे स्पेसिफाई करता है वो चीज समझो. तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट. ये एक पहली चीज हो गई, क्या कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है, ठीक है, तो दैट सेक्शन विच इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व इट. अगर कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो उसके पास पूरा पूरा अधिकार है उसे वो प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे. और इस प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में सरकारें जो होती, तो सरकारें क्या करती है, मदद देती है, सरकार मदद पहुंचाती. सरकार कैसे मदद पहुंचाती है, तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फंड करती है. जैसे आपने देखा होगा मिशनरी इंस्टीट्यूट्स होते हैं काफी सारे, मदरसाज होते हैं, तो क्योंकि अब ये माइनॉरिटी सेक्शन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए
ताकि ये अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाए, सरकार सपोर्ट करती है। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैनॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन्ड या फिर गवर्नमेंट जिन्हें सपोर्ट कर रही है, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप एजुकेशन किसी को सिर्फ इस बेसिस पर कि उसका रिलीजन ये है, उसकी कास्ट ये है, उसकी लैंग्वेज ये है, इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, यू कैन नॉट डिनाई एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट यही बोल रही है ना कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, तो सरकार जो एटलीस्ट सरकार के द्वारा मैनेज और ऑपरेट मेंटेन एडेड इंस्टीट्यूट है वहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। तो क्या प्राइवेट में कर देंगे? नहीं, प्राइवेट में नहीं होगा, लेकिन ऑल माइनॉरिटीज, मतलब वही वाली बात है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपने वो रख सकती है रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन यहां पे एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स जो रहेंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक एडमिशंस। फाइन, उसके अलावा ऑल माइनॉरिटीज इन रिलेटिव टर्म्स, ये वाला शब्द समझना, इन रिलेटिव टर्म्स क्या कहना चाहता है कि माइनॉरिटीज सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होते, माइनॉरिटीज लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में तमिल लैंग्वेज जो रहेगी वो क्या रहेगी? तमिल लैंग्वेज जो रहेगी माइनॉरिटी कहलाएगी, क्योंकि वहां पे तेलुगु वाले मेजोरिटी में होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि तमिल लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स अगर आंध्र प्रदेश में अपना कोई कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहे हैं, एनी सेक्शन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है, तो दे आर फ्री टू कंजर्व इट। और वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो माइनॉरिटीज हैं इन रिलेटेड टर्म्स दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो उन्हें अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अपने कल्चर को अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके आगे बढ़ाने के लिए आजादी है कि वो इंस्टीट्यूट चलाएं और उस तरह से हैं। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेसिफाई करता है फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, दैट द माइनॉरिटीज हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर और लैंग्वेज आर फ्री टू कंजर्व इट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट होगा उन्हें किसी भी तरह से डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन। और तीसरी चीज कि वो माइनॉरिटीज अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दीज आर दी थ्री प्रोविजंस, समझे? दीज आर दी थ्री प्रोविजंस। अब आगे जैसे और समझे तो आगे क्या है, आगे ये हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। अब हमने राइट्स तो पढ़ लिए, चलो एक बार जरा सबको समराइज कर लेते हैं। सबको समराइज इन द सेंस कि हमने कौन कौन से राइट्स पढ़े, तो हमने अगर आप पीछे चल के देखोगे चैप्टर में तो हमने ब्रॉडली सबसे पहले तो ये देखा कि केस स्टडीज पढ़ी ग्वांटनामो बे की, सऊदी अरेबिया की, कोसोवो की, और हमने एक चीज क्लियर कट तरीके से समझ ली कि राइट्स जो उनका वायलेशन कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसके लिए कंजर्वेशन हर जगह जरूरी है। राइट्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, ये सारी चीज समझी। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉज। तो राइट्स को, राइट्स डेमोक्रेसी में क्यों जरूरी होते हैं, वो सारा सब कुछ। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ राइट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और फंडामेंटल राइट्स की ब्रॉड कैटेगरीज में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स होते हैं टू बी अ फ्री मैन, तो अरेस्ट वगैरह के टाइम पीरियड में आपके जो जो अधिकार होते हैं, ठीक है, राइट अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारी चीजें, ये सब कुछ पढ़ा। उसी के साथ साथ में हमने रिलीजियस राइट्स की बात करी, रिलीजियस राइट्स के साथ साथ में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करी, तो सारे राइट्स देख लिए। अब ये सारे अधिकार क्या एक तरह के प्रॉमिसेस हैं जो सरकार ने हमें कर लिए। अब प्रॉमिस करना और प्रॉमिस को पूरा करना दो अलग अलग चीजें हैं। कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको इक्वालिटी का अधिकार है, लेकिन इक्वालिटी नहीं मिली आपको, तब क्या? पॉइंट यह आता है, तब क्या? तो उस सेंस में क्या होता है, उस सेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या राइट दिए, ये नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, कि इफ दीज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड और दीज राइट्स आर नॉट बीइंग एनफोर्स्ड, देन व्हाट इज द थिंग। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर राइट्स हमें मिले ही नहीं, ठीक है, लिख तो दिया आपने, सिर्फ अश्योरेंस जरूरी नहीं है, उनका रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं हुआ तो क्या, और इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, दिस इज द पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया कि व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड सो, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं एंड व्हाट मेक्स देम सो इंपॉर्टेंट। तो एक चीज तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर द बेसिक यूनिट, दे आर द बेसिक ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग दी, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सपोर्टिंग द लाइफ, दे आर फंडामेंटल टू लाइफ, देयरफॉर दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। वो लाइफ के लिए फंडामेंटल है, इसलिए उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट है कि व्हाट मेक्स देम सो इंपॉर्टेंट, तो दे आर सो इंपॉर्टेंट या फिर दे आर फंडामेंटल बिकॉज ऑफ द एनफोर्सेबल नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दे आर सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अपने आप में एनफोर्सेबल होते हैं।
एनफोर्सेबल होने का मतलब क्या है कि अगर उनका वायोलेशन हो रहा है तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, उन फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन हो रहा है तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो, आप उसके अगेंस्ट में क्या मांग सकते हो, उनका रिस्टोरेशन मांग सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, क्या एग्जाम्पल है कि आपने कार लेके आए, ठीक है आपने कार लेके आए, तो कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है अब, लेकिन वो कार में आपने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस करवा लिया, इंश्योरेंस करवाना मतलब राइट्स जैसा है कि हाँ इंश्योरेंस करवा लिया ना कि राइट्स है। लेकिन कल को वो कार ठुका जाती है और अब क्या है, अब आप क्लेम करने जाओगे क्या कि मेरा इंश्योरेंस तो मतलब मेरी कार डैमेज हो गई, अब इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। वो रिपेयर हो जाए अगर तो चीजें काम की, वैसे ही आपके राइट्स इंश्योरेंस की तरह थे कि राइट्स आपको इंश्योर कर दिया कि आपके साथ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो क्या वो सही हो सकता है, क्या वो इंश्योरेंस के अगेंस्ट में क्लेम मिलेगा, तब तो वो इंश्योरेंस काम का ना। वैसे ही वो राइट्स है लेकिन वो राइट्स के वायलेशन पे अगर रिस्टोरेशन नहीं हो रहा तो राइट्स किस काम के, ये पॉइंट रहता है। तो आप यहां जैसे देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एनफोर्सिएबल नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो एनफोर्सिएबल है, अगर उनका वायलेशन हुआ तो उन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। वी कैन सीक एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन, अगर उनका वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का तब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सीक एनफोर्समेंट, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो उन्हें एनफोर्स किया जाए, और इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट है हमारा, ठीक है, मतलब रिस्टोरेशन सीक करना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और वो जो राइट है वो किस नाम से आ रहा था, राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज क्या है, मतलब बीमारी है तो बीमारी के अगेंस्ट में समाधान है, सोल्यूशन है वो, तो राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द फंडामेंटल राइट। तो सीकिंग एनफोर्समेंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट किया जा रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32 इस चीज को इस कारण से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि वो आपके अधिकारों को एम्पावर करता है। कैसे अधिकारों को एम्पावर करता है, कि वो सारे राइट्स है लेकिन उनके वायलेशन पे अगर कुछ नहीं है तो वो राइट्स किसी काम के नहीं है, लेकिन ये जो अपने आप में एक राइट है कि उनके वायलेशन पे आपको रिस्टोर करके देंगे, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, तब उन सारे राइट्स में भी जान आ जाती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स, ठीक है। तो अब दिखती बात है कि अगर मान लो जैसे मेरे क्या होता है, कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल आपके सामने कौन है, सरकार है, स्टेट है। अब स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने ऐसा किया कि आपके सबके घर के आगे आगे ताले डाल के चले गई, आपको बाहर निकलने की आजादी नहीं दी बिना किसी रीजन के, मतलब कोविड भी चले गया, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे कोई, तो आप क्या बोलोगे, हमारा राइट टू फ्रीडम किसने वायलेट किया, सरकार ने, तो आप सरकार के पास जाओगे क्या रिस्टोर करवाने के लिए, सरकार बोलेगा चलो जाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो हुआ है, वायलेशन का रिस्टोरेशन सीक कहां करोगे, तो वायलेशन का रिस्टोरेशन सीक करोगे आप कहां पे, वॉल्यूशन का रिस्टोरेशन सीख करोगे आप कोर्ट्स के पास में जाके, ठीक है, कोर्ट्स के पास में जाके आप अपने वॉल्यूशन का रिस्टोरेशन सीख करोगे। तो इन केस ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स, तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगेन क्या होता है, नॉर्मली केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, जहां फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं है, कि लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जाता आदमी धीरे धीरे, लेकिन जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हो, ठीक है, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफर टू यू, समझे। तो डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का हमारा जो राइट है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जो है हमारा, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, समझना। कभी कभी वन मार्क्स में पूछा जा सकता है हु विच आर्टिकल्स आर रेफर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय हुम, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल है, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्यों कहा है, तो मैंने आपको जो बताया ना कि वो सारे राइट जो आपने आगे देखे वो किसी काम के नहीं है अगर उनको सपोर्ट ना हो इस चीज का कि अगर वो उनका वायलेशन होगा तो आपको रिस्टोरेशन मिलेगा। उनका वायलेशन होगा और रिस्टोरेशन मिलेगा, ये चीज अपने आप में उन सारे राइट्स में जान डाल देती है। मतलब प्रॉमिस कर देना बड़ी बात नहीं है, प्रॉमिस पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, उस चीज का अगर प्रोविजन है तो प्रॉमिस में दम है, ठीक है, मतलब शर्त लगा लो, शर्त लगाना बड़ी बात नहीं है, शर्त लगा के बाद में अगर पैसे नहीं दोगे तो दिलवाए जाएंगे, ये एक बड़ी बात है, ठीक है, तो दिलवाए जाएंगे तब आपको शर्त में दम दिखेगा, है ना। वो चीज है यहाँ पे कि सारे राइट्स जो है वो इफेक्टिव तभी होंगे जब आर्टिकल 32 होगा, क्यों, क्योंकि
अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो राइट्स देते लेकिन वॉलेट होते रहेंगे, उन्हें पता है वॉलेट कर दो लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन आर्टिकल 32 है तो वॉलेशन पे आपको क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा। रिस्टोरेशन कौन करेगा, कोर्ट्स करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट हुम, सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है राइट टू इक्वालिटी किसके अगेंस्ट में दिया गया है मुझे, राइट टू फ्रीडम किसके अगेंस्ट में दिया गया है मुझे। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना, जैसे क्या हो रहा है, बाप क्या है, छोटा भाई बड़ा भाई लड़ बैठे कि पापा जो है छोटे भाई के साथ ज्यादा प्रेम से रहते हैं तो मेरा राइट टू इक्वालिटी वॉलेट हो गया, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट अभी बताता हूँ तुम्हें, सी यू इन द कोर्ट, इस टाइप से स्टेटमेंट देकर निकल आए, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट में आपको फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में गारंटी किए जाते हैं, तो एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। मैंने बताया सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट होता है, तो कहीं स्टेट्स आपके मतलब स्टेट जो सरकार जो, तो सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करते, तो उसके लिए क्या है, सरकार ऐसे लॉ ना बना दे, कोई एग्जीक्यूटिव ऐसी हरकत ना कर दे, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना कर दे, तो इस कारण से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ साथ में कोर्ट्स कैन ऑल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बॉडीज। प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज जो है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में भी फंडामेंटल राइट्स अगर उन्होंने वायलेट किया तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कोर्ट जो है तो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट इश्यूज डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपके मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, वो अगर वायलेट हो रहे हैं तो उनके रिस्टोरेशन के लिए कोर्ट्स जो है वो रिट्स इशू करते हैं। रिट्स क्या होता है, देखो आप दिखती बात है कि एक आपका फंडामेंटल राइट है क्या, कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या किया जाए, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। अब कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए तो आप तो जेल में, आप कुछ कर नहीं सकते, अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया आपको प्रेजेंट नहीं किया गया तो आपका लॉयर जो है, आपके रिलेटिव जो है जिन्हें जानकारी है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एक ये मतलब एक प्ली लगा सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं क्या, कि हमारे व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है। क्यों वॉलेट हो रहा है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, बट ही और शी इज नॉट गिवन दी ट्रायल, ठीक है, ट्रायल पे लाए नहीं गए उन्हें, तो इसके चलते क्या है, इसके चलते कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऐसे तो ना कि जज खुद उठ के चले जाएंगे जेल में, वो क्या करेंगे, वो एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑर्डर, जिसमें वो सरकार को बोलेंगे कि तुम्हारे अगेंस्ट में आरोप है और तुम प्रूफ करो, ठीक है। तो फिर क्या है, सरकार को रिट्स इशू किए जाते हैं। तो रिट्स में जैसे आप देखोगे तो अलग अलग क्या होता है, मैंडमस हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के रिट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्डर, जैसे हैबियस कॉर्पस में, हैबियस कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी, तो जिसे आपने डिटेन करके रखा उसे लाओ, सरकार से बोलती है कौन, कोर्ट बोलती है। तो इस तरह से कोर्ट क्या कर सकता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्शन ऑर्डर्स इशू कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहा जाता है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे PIL का भी अगर आप देखोगे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो पहले क्या होता था, पहले जिसके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे वही क्या करता था, अपने फंडामेंटल राइट के वॉलेशन के लिए अपील कर सकता था, रिस्टोरेशन की बात कर सकता था। लेकिन अब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स इन जनरल पब्लिक के वॉयलेट हो रहे हैं तो कोई भी इंसान किसी के भी बिहाफ पे पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल कर सकता है, ठीक है, अपनी अर्जी लगा सकता है, जहां पे क्या हो, जहां पे वो ये सीख कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दो, क्योंकि लार्ज स्केल पे इन लोगों का राइट वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी क्या है कि जनहित याचिका जो रहती है, जनहित याचिका मतलब जो जनता के हित में हो, ऐसे कामों को एनफोर्स करवाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इस्तेमाल, ठीक है, इन रिसेंट टाइम इज ऑन इंक्रीज, और जो क्या कर रहा है, जो एक तरह से लोगों के राइट्स को रिस्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, समझ गए। तो एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट जो लास्ट टॉपिक है आपका, इसे समझो अच्छे से, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट मतलब क्या है कि पहले राइट्स जो थे सिर्फ राइट्स थे, ठीक है, कि अधिकार है अधिकार है, लेकिन फिर क्या कुछ राइट्स जैसे फंडामेंटल राइट्स बने। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, कि उनके अगेंस्ट में रिस्टोरेशन है, दे आर फंडामेंटल टू द लाइफ। साथ ही साथ आज का देख रहे हैं, देर आर वाइड रेंजेस ऑफ राइट्स, ठीक है, विच आर बीइंग एडेड टू द लिस्ट एवरी डे। कैसे, तो ये आपको क्या दर्शाता है कि राइट्स जो है पहले सीमित थे, कुछ फंडामेंटल बने, फंडामेंटल के बाद में आज आप जो राइट्स देख रहे हैं तो वो क्या होते जा रहे हैं, वो एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिंग इन द सेंस कि कोर्ट्स जैसे जो होते, तो कोर्ट्स अपने जजमेंट में राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट था हमेशा से, लेकिन अब क्या है, राइट टू लाइफ में बोल दिया गया क्या कि राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, तो वो भी फंडामेंटल राइट है। तो एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स मतलब क्या है कि राइट्स जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है, हमारी जरूरतें, हमारे अधिकार भी बढ़ते रहना चाहिए। जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, फाइन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है तो अब क्या है, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स में ऐड ऑन होते जा रहे हैं, कुछ लीगल राइट्स के फॉर्म में एक्सपैंड होते जा रहे हैं, फाइन। इसी के साथ साथ क्या, एक्सपेंशन जो है राइट्स का, तो एक्सपेंशन ऑल्सो टेक प्लेस इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स।
तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? तो देखो, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, लीगल राइट, मोरल राइट, अलग अलग तरह के अधिकारों के नाम हो गए। तो आप क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट जो है तो कोर हो गया, किसी भी चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोर हो गया। कोर क्या रहेगा? फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, ठीक है, जिनको आपने बहुत ज्यादा क्या किया है, जिनके अगेंस्ट में आपने रिस्टोरेशन इंश्योर किया है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे राइट होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में क्या है कि ह्यूमन राइट्स में बेसिकली ये है कि कोई भी इंसान जो है तो वो भूखा है तो उसे खाना देना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस देश का है, किस देश का नहीं है। ये क्या है, ये ह्यूमन राइट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो चाहे लॉ माने या ना माने, कानून में कहीं नहीं लिखा होगा कि भूखे आदमी को खाना दो, लेकिन क्या है वो तो यूनिवर्सली एक तरह से क्या है, मोरल लॉ है ना, ठीक है, तो वो इस तरह के क्या है, ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में जाएगा। तो अब ये ह्यूमन राइट्स को जब कोई बाय लॉ रिकॉग्निशन देना चालू करता है तो वो क्या होते चले जाते हैं, लॉज क्या है, राइट्स जो है, ठीक है, तो वो राइट जो है लॉ के फॉर्म में सेंक्शन होके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट की तरह आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट की तरह आ जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं आपको, तो अधिकार वो हर वो चीज है, हर वो एक रीजनेबल क्लेम है जो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे कुछ रीजनेबल क्लेम्स को क्या किया जाने लगता है, सरकार भी रिकॉग्नाइज करने लगती है, तब वो राइट्स बनने लगते हैं, ठीक है, तब वो राइट्स बनने लगते हैं। तो बट विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स। तो ये क्लेम्स जो है, हो सकता है जो लॉ ने रिकॉग्नाइज ना किया हो, लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी एक्सपेंड हो रही है तो ह्यूमन राइट्स को राइट्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, लीगल राइट्स की तरह, फंडामेंटल राइट्स की तरह, उस चीज का प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती है। सम इंटरनेशनल, ठीक है, कोवेनेंट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, जैसे आईसीसी पीआर जो है, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो आप इसमें क्या देखोगे, मतलब ये कोई एनफोर्स्ड लॉ, सेट ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है क्या कि दिस इंटरनेशनल Covenant recognizes many rights that are not directly part of fundamental rights in the Indian Constitution. Indian Constitution में direct fundamental rights के part नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होना चाहिए जो क्या है, जो जिन पे laws बनना चाहिए, जिनका recognition होना चाहिए, recognized by law होना चाहिए, ठीक है। तो this has not yet been the international treaty, but human rights activists all over the world see this as the standard of human rights. तो कुछ rights क्या है, universal moral claims की तरह होते हैं, जैसे right to work, राइट टू लाइफ आपने बोल दिया जीने का अधिकार, लेकिन जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए काम चाहिए, ठीक है, और काम करेगा तब आदमी पैसा आएगा, तो राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न लाइवलीहुड बाय वर्किंग, ये एक अधिकार होगा। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, फेयर वेजेस दैट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर एंड देयर फैमिली, राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडुकेट फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बाय लॉ नहीं है, लेकिन क्या आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स आल्सो टेक प्लेस, वही चीज, राइट टू हेल्थ। अब राइट टू हेल्थ में क्या होगा कि अगर आप एनवायरमेंट पॉल्यूटेड है तो इंसान कितना भी कुछ कर रहे, लेकिन राइट टू हेल्थ कहां मिल पा रहा है उसे, तो मेडिकल केयर होना चाहिए ड्यूरिंग इलनेस, स्पेशल केयर फॉर वुमेन। तो इसीलिए क्या होती है, सरकारी हॉस्पिटल्स बनते हैं, इसी कारण से आप क्या देखते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन की बात आ रही है, तो इसीलिए फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, इन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। समझ गए? तो आई होप यू पीपल enjoyed इट, ठीक है, enjoy करो आप मिस्टर बीन की तरह, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, शॉर्ट क्रिस्प प्रिसाइज चैप्टर था, सिंपल था, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना था, ब्रॉडली आपको छह तरह के फंडामेंटल राइट ध्यान रखना था। क्वेश्चन मैंने बताया हर एक राइट के अंदर से बन के आ सकता है, ठीक है, और जो केस स्टडीज वगैरह थी उससे बन के आ सकता है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर वाला पार्ट है ये यहां पर कंप्लीट होता है, एंड आई होप यू पीपल enjoyed इट, आपको सारी चीजें समझ में आई बेहतरीन तरह से। साथ ही साथ क्या है, अब आपको कोई डाउट है तो स्पेशल क्लास होती है। देखो अब स्पेशल क्लास हमारी कब है, कल है हमारी स्पेशल क्लास, तो हम कल मिलेंगे डाउट सॉल्विंग के साथ में। तो ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स वाला हमारा चैप्टर होगा, इसके डाउट आपके जो भी है, आज आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लियो, बुक पढ़ लेना एक बार, कल 5:45 पे मिलेंगे, तो इस चैप्टर के डाउट जो है वो हम आपके क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्लास 9th के लिए जो प्लस पर मेरे कोर्सेज हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास रहती है। उसी के साथ साथ एक जो नया कोर्स अभी लेके आया हूं मैं, वो है कोर्स ऑन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो हाफ ईयरली के एग्जाम परस्पेक्टिव से हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, हर सैटरडे क्लास होती है, 6th August से बैच स्टार्ट हुआ है, 8:45 पे क्लास रहती है। उसके अलावा रेगुलर क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है, और क्लास 10th के लिए भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है, 7 PM पे क्लास रहती है क्लास 10th की, और क्लास 10th के लिए भी वैसा ही कोर्स है चैप्टर वाइज
सीरीज फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये भी एवरी सैटरडे ये वाला टेस्ट रहता है, क्लियर हुआ। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक और कदम आगे बढ़ते हैं, तो प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनकी मदद से आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें मिलती है। और साथ ही साथ आइकॉनिक की अगर बात करें तो उसमें 1-to-1 आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक मेंटर मिलते हैं, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको देखने को मिलती है। अगर आपको किसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस। अगली चीज प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 1653 रुपीज में पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे पड़ता है। बट इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGR दिगराज यू विल गेट इट फॉर 1488। अब इसमें और एक चीज बताता हूं मैं आपको, फाइन आइकॉनिक में क्योंकि एडेड एडवांटेजेस है तो वहां पे आपको 3086 में वो सब्सक्रिप्शन पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज यू विल गेट इट फॉर 2777। अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन पे इस टाइम पीरियड में, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हैं 22nd ऑफ अगस्त से 26th तक क्या चल रहा है, अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है। अनलॉक 20 जैसे आप जानते हैं जिसमें आपको 10 की जगह 20% ऑफ मिलता है ऑन यूजिंग द कोड दिगराज, तो आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको उस पर आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर सेव कर सकते हैं अप टू 20%। दिस इज द केस। सिमिलरली फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यू कैन सेव अप टू 20% इन दिस टाइम पीरियड 22nd ऑफ अगस्त टू 26th ऑफ अगस्त। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, यहां तक सारी चीजें समझ में आई। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। स्पेशल क्लास में कल मिलेंगे डाउट सॉल्विंग में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।